हेलो 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 डन स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग क्या हालचाल आप सभी लोगों के मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया मैं भी यहां पर मौज में बच्चों हमारे पास एफएम के अंदर टोटल टेन चैप्टर्स में बटा हुआ था और कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया लीवरेज हो गया रिसीवेबल मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रेशो कैपिटल बजटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल तीन छोटे छोटे से चैप्टर बचे हैं कैश मैनेजमेंट कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंट सबसे पहले तो ये बताइए सारे के सारे जल्दी से बताइए बताइए कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं प्रथम पूछ रहे हैं प्रज्ञान कैसा प्रज्ञान मौज ले रहा है बेटे पूरी जिंदगी जी रहा है वो मस्त अपनी हां जी बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं मनन ने कर लिए इंक्लूडिंग कैश मैनेजमेंट भी कर लिया है अंश ठक्कर ने भी कर लिया है और जी अनदर फाइन लड्डू सेशन इन मॉर्निंग प्रथम ने कर लिया है प्रीति ने कर लिया है आंचल ने कर लिए हैं बुक वाले बाकी हैं आयुष ने पूरा कर लिया है और आपके कनिका ने कर लिया है रेखा ने कर लिया है अंशु ने कर लिया है यश ने कर लिया है आदित्य ने कर लिया है और आपके पास अरे बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है लगे पड़े हैं आयुष ने कर लिया है सानिया ने कर लिया है अभी नव के लास्ट लेक्चर वाले रह गए हैं बस बाकी सब हो गए और अभी प्रीत कौर ने नहीं किया है तनिषा के पांच चैप्टर के हो गए हिमांशु कह रहे हैं सर अभी मेरा बाकी है पांच चैप्टर हो गए सौभाग्य के आकाश कह रहे हैं ब्लैक टी शर्ट गज यार और तुषार ने कर लिया है और आपके पास आई एफ ने कर लिया है ठीक है बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है ओके बहुत ही बढ़िया अरे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है क्या नहीं हम तो बस नोट्स बनाने में ही रह जाएंगे जीवन पर्यंत और बच्चों को पढ़ाने में बाकी पता ही नहीं क्या क्या चल रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिख रही हमें कोस्ट के नोट कल मॉर्निंग आएंगे और कल मॉर्निंग से ही सेशन शुरू होगा आज एफएम पूरा खत्म हो जाएगा ठीक है डन तो बहुत बढ़िया चल रहा है आप लोगों का अब हमारे पास जो है तीन चैप्टर बचे हैं एक है कैश मैनेजमेंट ये बिल्कुल लड्डू चैप्टर और एग्जाम में आता नहीं तो इसे देखेंगे सबसे लास्ट में दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी और डिविडेंड डिसीजन ये दोनों है तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिविडेंड डिसीजन और हमारे पास कैश मैनेजमेंट ये तीन बचे हैं इसमें हम सबसे पहले उठाते हैं डिविडेंड डिसीजन को ये बिल्कुल आसान है और फाइव मार्क्स का सीधे सीधे आ जाता है तो लाइव चैट हम कर रहे हैं बंद और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसे और डिविडेंड डिसीजन को करते हैं कॉस्टिंग का जो बूस्टर है वो कल से स्टार्ट होगा आज नोट्स पे काम बाकी है अभी तो आज नोट्स बना के अपलोड कर दूंगा मैं रात तक अपलोड हो जाएंगे कल मॉर्निंग अपलोड हो जाएंगे कल सुबह से चालू होगा यानी कॉस्टिंग का बूस्टर एक दिन पोस्टपोन हो गया है बाकी उसका सारा का सारा सिक्वेंस ऐसे ही चलेगा हाँ जी तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिविडेंड डिसीजन फाइव मार्क्स कन्फर्म आते हैं इससे और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है आ जाइए देखते हैं डिविडेंड डिसीजन चैप्टर कुछ थ्योरीज हैं। तो कुछ है इनरेलीवेंट थ्योरी इिवेंट थ्योरी का मतलब है कि आप डिविडेंड दो या मत दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता यानी कि आपका डिविडेंड देने या ना देने से कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये एम एम है, मोदी इलानी एंड मिलर ने ये अप्रोच बनाई है तो इन्होंने फॉर्मूला ऐसा डिजाइन किया है कि वो घूम फिर के हमेशा

ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब है कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक फॉर्मूला डिजाइन कर दिया और उससे बताया कि शेयर का प्राइस क्या होगा और लिंटर मॉडल कहता है कि आपको कितना डिविडेंड देना चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास ये टोटल पांच थ्योरी चलेंगी और चैप्टर खत्म हो जाएगा और बहुत ज्यादा आसान है इनमें से कोई एक थ्योरी के ऊपर इनके सबके अपने अपने न्यूमेरिकल है इनमें से किसी एक न्यूमेरिकल के ऊपर पांच नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स है कि आना ही आना है ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे मोदी गिलानी एंड मिलर हाइपोथेसिस 1961 में लिखा गया इन्होंने कहा कि डिविडेंड के देने से या ना देने से कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और शेयर का प्राइस हमेशा सेम रहता है इन्होंने एजम्शन दी कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट है कोई टैक्स नहीं है एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोला कि हर साल कंपनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेगी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है और कोई रिस्क नहीं है ठीक है अब इनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के स्टेप्स क्या रहेंगे यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या किया जाएगा आपको एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर जिनको हम बोलेंगे एन ये होंगे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर ठीक है इसके बाद ये आपको बताएंगे कि इनकी रिटर्न कितनी आ रही है रिटर्न को ये कई बोल देंगे कि भाई हमारी रिटर्न कितनी आ रही है ठीक है इस, इसको ये कैपिटलाइजेशन रेट बोलते हैं यहां पर कैपिटलाइजेशन रेट इसके बाद में हमारे पास एक चीज दी जाएगी आई आई का मतलब है यहां पर कंपनी ना कुछ हर साल इन्वेस्टमेंट करेगी तो ये बोलेंगे कंपनी हर साल कुछ इन्वेस्टमेंट करती है ठीक है ठीक एक टर्म मिलेगी ई का मतलब होगा कि कंपनी ने इस साल पैसा कितना कमाया है और एक टर्म आएगी डेल्टा एन डेल्टा एन का मतलब नए शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे ठीक है ये टर्म्स इसके अंदर आपको नजर आने वाली हैं एन का मतलब एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर डेल्टा नए शेयर e मतलब मतलब e मतलब है. है, सब कुछ मिलेगा साल के बाद शेयर का प्राइस क्या होगा पी जीरो का मतलब होता है आज शेयर का प्राइस कितना है जैसे आज शेयर का प्राइस मान लो सौ रुपये ठीक है. है अब आपने पूरे साल में दस परसेंट कमाया ठीक है तो बताइए सौ रुपए में आपने दस परसेंट कमाया तो आपके शेयर का प्राइस एक साल बाद कितना हो जाएगा आज आपके शेयर का प्राइस सौ रुपए है पूरे साल में दस परसेंट कमाया आपने तो एक सौ दस रुपए हो गए आपके पास अब ये बोले कि लेकिन अगर कंपनी ने कुछ डिविडेंड दे दिया जैसे डिविडेंड दे दिया पांच रुपए तो अब बताइए शेयर का प्राइस कितना रह जाएगा सौ रुपए लगाए दस परसेंट यानी एक सौ दस हो गए एक सौ दस में से पांच रुपए शेयर होल्डर को हमने डिविडेंड के रूप में दे दिए तो इसका मतलब अभी भी उसका कंपनी में शेयर में लगा हुआ पैसा एक सौ है तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पीवन पी वन का बड़ा सिंपल सा मतलब है पी जीरो आज की डेट में शेयर का कितना प्राइस है वन प्लस के यानी कि टेन परसेंट इनकम आ गई टेन ट्वेल्व जो भी बताएगा तो सौ रुपए में दस परसेंट कमाया एक सौ दस रुपए हो गए शेयर होल्डर के अब अगर आपने पांच रुपए डिविडेंड दे दिया तो एक सौ पांच रुपए रह गए उसके बिजनेस के अंदर अगर आपने दस रुपए डिविडेंट दे दिया तो सौ रुपए रह गए बिजनेस के अंदर अगर आपने डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया तो उसके एक सौ रुपए बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं ठीक है ये बिल्कुल एफडी की तरह से एफ में क्या होता है बताइए आपने बैंक में सौ रुपए रखे बैंक में आपने सौ रुपए रखे दस परसेंट भी आ तो बताइए एक साल बाद आपके कितने हो गए एक सौ दस अब मान लो आपने बैंक में से पांच रुपए निकाल लिए अपने अकाउंट में से तो आपका बैलेंस कितना बच गया एक सौ पांच रुपए तो ये स्टार्टिंग में आपका इन्वेस्टमेंट और ये लास्ट में इन्वेस्टमेंट आपका आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम निकालेंगे P1 यानी शेयर का एक साल बाद का प्राइस तो पी वन इक्वीरो माइनस डी वन ठीक है ये हमारे पास निकल जाएगा फिर हम निकालेंगे डेल्टा एन, एन के लिए नए शेयर भाई आप किस लिए इशू करना चाहते हो नए शेयर हम इसलिए इशू करना चाहते हैं क्योंकि हर साल कंपनी को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो जैसे कंपनी को इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन ने बोल दिया पांच लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है ओके अब क्वेश्चन बोलेगा हमारी अर्निंग कितनी है मान लो हमारी एक साल की अर्निंग तीन लाख रुपए है ओके okay. आपने डिविडेंड कितना दिया पूरे साल में मान लो हमने लाख का डिविडेंड दे दिया अब जरा देखिए लाख रुपए हमें इन्वेस्ट करने हैं पूरे साल के एंड में ठीक है ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है फिक्स रहेगी कि हर साल हम कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तीन लाख रुपए तुमने कमाए पूरे साल में जिसमें से एक लाख रुपए आपने डिविडेंड बांट दिया तो आपके पास नेट अर्निंग कितनी बची है दो लाख रुपए तो दो लाख रुपए तो आपके पास कमाई के बचे हुए हैं जो रिटेन लर्निंग हो गई इस साल की ई माइनस डी यानी रिटेन लर्निंग हो गई इस साल की तो दो लाख रुपए तुम्हारे पास इस साल की कमाई के रिटेन कर रखे हैं आपने पांच लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए तो बताओ कितना पैसा आपको शेयर से मंगवाना पड़ेगा तीन लाख रुपए आपको शेयर होल्डर से मंगवाने पड़ेंगे कि दो लाख तो हमारे पास रिटेन लर्निंग के हैं तीन लाख रुपए और चाहिए तो अब मुझे तीन लाख रुपए शेयर होल्डर से चाहिए चेक कर लो शेयर का प्राइस कितना है जैसे मान लो शेयर का प्राइस एक सौ पचास रुपए है तो नंबर ऑफ शेयर आपके पास आ जाएंगे दो हजार शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे तो यहां पर चलेगा हमारे पास बड़ा सिंपल सा सिनेरियो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट इसके बाद में रिटेन अर्निंग निकालेंगे रिटेन अर्निंग कैसे आएगी ई माइनस डी से कि कितने कमाया कितना डिविडेंड दे दिया अब आपको पांच लाख का इन्वेस्टमेंट करना है रिटेन अर्निंग है दो लाख तो इन्वेस्टमेंट में कितने पैसे शेयर से चाहिए शेयर से चाहिए आपको तीन लाख रुपए तो आई माइनस रिटेन अर्निंग माइनस रिटेनिंग बाकी पैसा इक्विटी से आएगा तो इक्विटी से पैसा मंगवाने के दो ही तरीके हैं या तो फ्रेश इशू कर दो या रिटेन से मंगवा लो तो में से दो लाख की रिटेन है तो लाख का फ्रेश इशू आपको करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई पी वन कर दो जो शेयर का प्राइस होगा उस पर हम इशू कर देंगे नंबर ऑफ शेयर हमारे पास आ जाएंगे ठीक है जी तो दूसरा स्टेप हमारे पास हो गया डेल्टा एन सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है पी वन निकालना है पीजीरो वन प्लस के ई माइनस डी वन दूसरा स्टेप आपको डेल्टा एन निकालना है डेल्टा एन के अंदर इन्वेस्टमेंट माइनस रिटेनिंग रिटेनिंग का फॉर्मूला ई माइनस डी और नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे आपके पास डिवाइड बाई पी वन कर दो कि भाई एक शेयर इतने का है तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे फिर तीसरा स्टेप है एनपी जीरो एनपी जीरो का मतलब है करंट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म एन का मतलब नंबर ऑफ शेयर पी जीरो का मतलब उनका प्राइस जैसे दस हजार शेयर है आपके पास और एक शेयर का प्राइस सौ रुपए है तो इसका मतलब आपके पास दस लाख रुपए टोटल वैल्यू फर्म की आ जाएगी तो इन्होंने एन पी जीरो आंसर हर सिचुएशन में सेम आएगा फॉर्मूला बोला कि देखो एन यानी अभी के शेयर डेल्टा एन यानी और शेयर कितने आ गए ये हो गए हमारे पास टोटल शेयर इनको हम मल्टीप्लाई वाई करेंगे पी वन से P1 का मतलब शेयर का ईयर एंड प्राइस तो जैसे मान लो एक सौ रुपए का शेयर है 2000 शेयर हम पे पहले से हैं 500 शेयर हमने और इशू करे तो ढाई हजार शेयर एक सौ रुपए के हो गए ईयर एंड पर ठीक है प्लस आपने पूरे साल में क्या कमाया था माइनस पूरे साल में आपने कितने इन्वेस्टमेंट करने हैं डिवाइडेड बाई वन प्लस केई वन प्लस के से डिवाइड करोगे तो इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी

तो एक जगह डी माइनस करा एक जगह डी प्लस करा डी सेट ऑफ हो गया दो जगह पे डी रख दिया डी सेट ऑफ हो गया ठीक है अब आई बचा है और ई बचा है आई क्या कराया आपने आई प्लस का है और ई माइनस का है ठीक है तो तीसरे स्टेप में इन्होंने क्या करा एन प्लस डेल्टा एन मल्टीप्लाई बाई पी वन आई प्लस का था तो यहां पर आई माइनस का कर दिया ई माइनस तो का था तो यहां पर ई प्लस का कर दिया तो आई और ई भी सेट ऑफ हो गए एक दूसरे से D यहां पर सेट ऑफ हो गया P1 में तो D का इफेक्ट खत्म पहले सबसे पहले फॉर्मूले में D माइनस का रखा दूसरे में D प्लस का हो गया तो D का इफेक्ट खत्म अब दूसरे फॉर्मूले में I प्लस का और E माइनस का था तो अगले फॉर्मूले में I माइनस का का और E प्लस रखा उसका भी इफेक्ट खत्म तो इन्होंने तीन स्टेप बनाए हैं तीनों स्टेप में सारे के सारे जितने भी इफेक्ट आए थे वो वन बाई वन सेट ऑफ करते चले गए अल्टीमेटली आंसर मैथमेटिकली हमेशा सेम आएगा तो खैर हमें अब इस चीज पर ध्यान नहीं देना हमारे काम के हैं कि तीन फॉर्मूले <coughs> सबसे पहले पी वन निकालो पी जीरो वन प्लस के माइनस डी वन फिर निकालो डेल्टा एन आई माइनस ब्रैकेट ई माइनस डी डिवाइड बाई पी वन फिर निकालो एन पी ब्रैकेट वन पूरा मल्टीप्लाई बाई पी वन माइनस का आई प्लस का ई डिवाइड बाई वन प्लस के ये तीन स्टेप आपको याद करने पड़ेंगे दस नंबर का क्वेश्चन आएगा इसका तो इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसा मिलेगा आपको देखेगा बीबीक्यू सेवेंटी फोर एबी इंजीनियरिंग लिमिटेड बिलोंग टू अर रिस्क परसेंट तो इनका एन हो गया एग्जिस्टिंग शेयर सेलिंग एट हंड्रेड रुपीज इच सो रुपए इनकी पी जीरो आज की करंट वैल्यू हो गई द फर्मिज क्वान प्लेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंट ऑफ रुपीज फाइव पर शेयर एट दी एंड ऑफ द करंट ईयर तो कंफ्यूज है कंपनी के रुपए का दे या ना दे ना इट एक्सपेक्ट हैव नेट इनकम ऑफ देख लाख मेकिंग इन्वेस्टमेंट करना है, दो का. ठीक है जी? अगर हम नहीं देते, तो आप वैल्यू बताइए ठीक है जी आप पहला केस हम डिविडेंट नहीं दे रहे सबसे पहले हम निकालेंगे पी वन पी वन इक्व टू पी जीरो माइनस डी वन सौ रुपये का है वन प्लस पॉइंट वन जीरो एक सौ दस का हो जाएगा डिविडेंड हम कुछ नहीं दे रहे तो पी वन हमारे पास आ गया एक सौ दस रुपए ठीक है जी एक सौ दस रुपए आ गया अब स्टेप टू नंबर ऑफ शेयर डेल्टा एंड तो यहां पर कितना फंड आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट दो लाख रुपए कमाया कितना है एक लाख रुपए डिविडेंड कितना दिया जीरो तो इसका मतलब एक लाख में से कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया तो एक लाख रुपए पूरे आपके पास है दो लाख का इन्वेस्टमेंट करना है एक लाख रुपए रिटेन अर्निंग के आपके पास है तो बताइए फ्रेश इशू कितना करना पड़ेगा एक लाख रुपए के लिए दो लाख में से एक लाख का हमारे पास रिटेन अर्निंग रिटर्न एक शेयर एक शेयर दस रुपए का होगा तो नाइन जीरो जीरो इश्यू करने पड़ेंगे ठीक है जी अब थर्ड स्टेप एनपी जीरो एनपी जीरो में एन कितना था आपके पास दस हजार शेयर डेल्टा एन नौ सो नो शेयर तो टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन शेयर आपके पास हो गए मल्टीप्लाई बाई एक सौ दस रुपए माइनस का इन्वेस्टमेंट प्लस की अर्निंग डिवाइड बाई वन प्लस के वैल्यू निकल कर आ गई टेन लाख रुपये ठीक है जी अगर हमने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो हमारी जो वैल्यू है वो दस लाख रुपए ओके अब दूसरा केस कह रहे हैं अगर डिविडेंड पे करें तो क्या होगा तो अगर डिविडेंड पे करेंगे तो फिर से तीन स्टेप पी वन इक्व टू सौ रुपए आज की डेट में है दस परसेंट कमाया एक सौ दस हो गए पांच रुपए का डिविडेंट आपने पे कर दिया तो एक सौ पांच रुपए आपके पीवन के आ गए ये P1 निकला आपके पास। अब दो लाख रुपए का है एक लाख रुपए आपने कमाएस पर शेयर का डिविडेंट दे रहे हो दस हजार शेयर है पचास हजार का आपने डिविडेंट दे दिया तो पचास हजार का आपने डिविडेंट दे दिया यहां पर तो रिटेन रर्निंग में पचास हजार रुपए बचे अब बताओ शेयर होल्डर से कितने मंगवाने हैं एक लाख पचास हजार रुपए आपको फ्रेश इशू करके मंगवाने हैं एक सौ पांच रुपए का शेयर है तो एक लाख पचास हजार डिवाइड बाई एक सौ पांच शेर, शेर आपको इशू करने पड़ेंगे अब तीसरा स्टेप सेम स्टेप फॉलो करने एग्जिस्टिंग शेयर दस हजार नए शेयर फोर्टीन ट्वेंटी एट पी वन एक सौ पांच रुपए मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग डिवाइड बाई वन प्लस के ही, आंसर दस लाख ही आ जाएगा तो इसका मतलब आपने डिविडेंड इशू किया या नहीं किया दोनों केस में आपकी फर्म की वैल्यू दस लाख रुपए ही रहेगी तो दोनों केस में फर्म की वैल्यू दस लाख रुपए हमारी रहेगी इसका मतलब अप्रोच के हिसाब से आप डिविडेंड देते हो या नहीं देते हो फर्म की वैल्यू पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो दस नंबर का क्वेश्चन बनता है ये आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया जिस भी दिन आएगा दस नंबर में सीधा सीधा आ जाएगा तो ये सेवेंटी फोर हमारे पास बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन के अंदर एमएम अप्रोच खत्म है इसका और कोई क्वेश्चन नहीं है एक क्वेश्चन हमने और रखा हुआ है इसका लेकिन यही क्वेश्चन मेरे हिसाब से एग्जाम में आना चाहिए अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है ये पेंडिंग चल रहा है क्यू में लगा हुआ है लेकिन अभी आया नहीं है तो किसी भी दिन आने वाला है पांच ही अप्रोच है पांचों में से घूम घूम कर आना है तो इसका अभी तक आया नहीं है तो पक्का कभी ना कभी आने वाला है हो सकता है आपको ये देखने के लिए मिले आ जाइए एक इसका नया क्वेश्चन आया था आरटीपी के अंदर फिर उसको स्टडी मैट के अंदर रख लिया इन्होंने

अंडर डिस्कशन विच विल कोज ऑफ एडिशनल टू सिक्स जीरो एट नाइन ऑर्डिनरी शेयर टू बी इशूड इफ नो डिविडेंट इज पेड कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना है आई वो बताया नहीं आई नहीं बताया बोले हम आई नहीं बता रहे आपको लेकिन हम ये बता देते हैं कि ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड एटी नाइन शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे अगर कोई डिविडेंट आप नहीं देते हो तो तो यहीं पर रुकते हैं सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पी वन पी वन इक्व अभी आपका शेयर है दस रुपए का के है 15%, कोई हम नहीं दे रहे तो आपका शेयर हो जाएगा ग्यारह रुपए पचास पैसे का ग्यारह रुपए पचास पैसे का आपका शेयर हो गया ठीक है अब मुझे बताइए डेल्टा एन कैसे निकालते हैं डेल्टा एन में हम लेंगे इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाई पी वन अब डेल्टा एन का इन्होंने आंसर दे दिया ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड इन्वेस्टमेंट कितना करना है पता नहीं अर्निंग पांच लाख है डिविडेंड हम कुछ भी नहीं दे रहे डिवाइडेड बाय पी वन है एक सौ सो, सॉरी ग्यारह रुपए पचास पैसे ग्यारह रुपए पचास पैसे ना ग्यारह रुपए पचास पैसे अब ग्यारह रुपए पचास पैसे सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे आई माइनस फाइव लैक रह ले जाएगा सामने माइनस का फाइव लैख सामने जाकर एड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल जाएगी तो हमारे इलेवन पॉइंट फाइव यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया आई माइनस फाइव लैक फाइव लैक सामने जाकर एड हो गया इन्वेस्टमेंट आ गया आठ लाख चौबीस रुपए का हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इस क्वेश्चन में इन्होंने इन्वेस्टमेंट पूछा है तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आ गई आई ये कैलकुलेट हो गया जी थी। ठीक है अब आगे कहानी बता रहे हैं। कह रहे हैं और एन एडिशनल और एन एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर्स टू बी इशूड इफ डिविडेंड इज पेड अगर डिविडेंड दोगे तो 47,619 शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे ठीक है जी तो अगर आप डिविडेंड दोगे तो हमारे पास क्या सिनेरियो होगा अगर आप डिविडेंड दोगे तो P1 वन इक्व टू पी जीरो वन प्लस के माइनस डी डिविडेंड नहीं बताया कितना है P0 है दस रुपए वन प्लस के माइनस डी वन ये हो गया ग्यारह रुपए पचास पैसे माइनस डी वन तो ये हमारे पास पी वन की वैल्यू आ गई ठीक है अब डेल्टा एन कैसे निकलेगा डेल्टा एन इक्व टू आई माइनस ई माइनस डी डिवाइडेड बाई आपके पास पी वन ठीक है तो हमारे पास डेल्टा एन इन्होंने बता दिया अब फोर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइनटीन होगा फोर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू इन्वेस्टमेंट हम निकाल चुके हैं पहले पार्ट में एट लैख ट्वेंटी फोर का इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग कितनी है आपकी पांच लाख रुपए और डिविडेंड कितना है डिविडेंड मल्टीप्लाई बाई एन तो टोटल डिविडेंड भी लिख सकते हैं और डिविडेंड को टोटल डिविडेंड को एन मल्टीप्लाई बाई डी वन लिख सकते हैं तो यहां पर हम दो लाख ,00 शेयर हैं, हर शेयर पर कितना डीपीएस देंगे तो यहां पर हमारे पास आ गया टू लैख शेयर मल्टीप्लाई बाई हर शेयर पर डिविडेंड कितना दे रहे हो डिवाइडेड डिटाइव डी वन अब जरा देखिए यहां पर डी वन आ गया यहां पर डी वन आ गया बाकी सब न्यूमेरिक फिगर है तो इस इक्वेशन को उठाकर मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद में एट लैक ट्वेंटी फोर माइनस फाइव लैख और ये माइनस का बाहर निकल के हो जाएगा प्लस का ये बाहर आकर प्लस का हो जाएगा इक्वेशन सोल्व करेंगे और आपके पास डिविडेंड की वैल्यू निकल आएगी

दूसरी अप्रोच है हमारे पास वोल्टर मॉडल वोल्टर मॉडल ने मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का एक फॉर्मूला दिया है इन्होंने कहा है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इक्व टू डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइड बाई के डिवाइडेड बाई के आपको फॉर्मूले में नहीं रचना कि फॉर्मूला कैसे बना हुआ है फॉर्मूले का डिजाइन प्रेजेंट वैल्यू से निकाला गया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट लेकिन आपको उसमें उलझना नहीं है उसमें नहीं जाना आपको ठीक है आपको फॉर्मूला सिर्फ याद करना है यहां पर सिर्फ इतना ही काम है सी इंटर में डी का मतलब है यहां पर डिविडेंड पर शेयर ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर आर का मतलब है कंपनी की कमाई कितनी है आई आर आर और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी कितना कमा रही है और के इक्विटी का कैपिटलाइजेशन रेट कैपिटलाइजेशन रेट या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ओके तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है पी इक्वल्स टू डी प्लस ई माइनस डी मल्टीप्लाई बाय आर बाय के ई और डिवाइड बाय पूरी की पूरी, पूरी इक्वेशन को के e से डिवाइड करना है पी आ जाएगा वोल्टर साहब ने कहा है कि हम आपको बताते हैं डिविडेंड कब देना चाहिए बोले तीन तरीके की कंपनी होती हैं एक होती है ग्रोइंग कंपनी ग्रोइंग कंपनी वो है जो इक्विटी की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमाती है तो यहां पर कंपनी की जो आर है आर यानी कंपनी का आई आर आर और के यानी इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो जो ग्रोइंग कंपनी होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमाती है तो आर जैसे मान लीजिए के है दस तो कंपनी यहां पर पंद्रह कमा रही है कहा गया ऐसी सिचुएशन में कोई डिविडेंड पे आउट नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए वो भी बताता हूं देखो मान लो पंद्रह रुपए का नहीं सौ रुपए का डिविडेंड बनता है मान लो अब जरा सौ रुपए आप शेयर होल्डर को दोगे तो वो मार्केट में कितना कमा सकता है दस परसेंट तो सिर्फ दस रुपए कमा पाएगा लेकिन अगर शेयर होल्डर को ना दो और इस पैसे को कंपनी में रिइनवेस्ट कर दो अपने ही बिजनेस में दोबारा लगा दो तो कंपनी कितना कमाएगी पंद्रह रुपए ये पंद्रह रुपए भी तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर के ही है पैसा तो शेयर होल्डर का ही है तो यहां पर कहा गया कि अगर कंपनी का आई आर आर केई से ज्यादा है तो शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं देना चाहिए तो ऑप्टिमम पे आउट जीरो अगर आर और के ही एक बराबर है यानी शेयर होल्डर बाहर दस परसेंट कमा सकता है और कंपनी भी दस परसेंट कमा रही है तो आप कंपनी में लगाओ तो भी शेयर होल्डर के लिए दस रुपए कमाओगे शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दो वो कहीं और लगाकर तब भी दस रुपए कमाएगा यानी शेयर होल्डर के हाथ में पैसा हो या कंपनी उस पैसे को री इन्वेस्ट करे दोनों सिचुएशन में रिटर्न सेम रहेगी तो इसमें कहा गया ये इनडिफरेंस पॉइंट हो गया यानी आप डिविडेंड दो मत दो ज्यादा दो कम दो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है फिर आ जाता है हमारे पास डिक्लाइन डिक्लाइन का मतलब है कि कंपनी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम कमा रही है मान लीजिए शेयर होल्डर अपने पैसे पर मार्केट में दस परसेंट रिटर्न ले सकता है तो कंपनी सिर्फ आठ परसेंट ही दे रही है ऐसी सिचुएशन में कंपनी के पास कोई हक नहीं है कि वो शेयर होल्डर का पैसा रोके जब शेयर होल्डर मार्केट में दस कमा सकता है और कंपनी आठ दे रही है तो कंपनी परफॉर्मेंस पुअर है ऐसी सिचुएशन में कंपनी को हंड्रेड परसेंट दे देना चाहिए बल्कि कायदे में तो उसको शेयर होल्डर की कैपिटल भी रीपे करके खत्म कर देना चाहिए तो ये तीन सिचुएशन और आर अगर कई से, तो तो से कम है तो कंपनी परफॉर्मेंस उसे हंड्रेड परसेंट पे आउट कर देना चाहिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है बीबीक्यू क्यू सेवेंटी सिक्स फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्सवाई जेड लिमिटेड नेट प्रोफिट तीस लाख रुपए है नेट प्रोफिट यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ तो पीए टी मानेंगे पीएटी तीस लाख है आउटस्टैंडिंग हंड्रेड लैख रुपीज के ट्वेल्व परसेंट प्रीफरेंस शेयर है तो प्रीफरेंस डिविडेंड कितना हो गया बारह लाख रुपए हंड्रेड लैख पर ट्वेल्व परसेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थर्ट थ्री लैख है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कंपनी की कमाई बीस परसेंट है

डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर तीस लाख रुपए की कमाई है बारह लाख रुपए का प्रीफरेंस शेयर ले गए बचे अठारह लाख थ्री लैख शेयर है आपके पास तो इसका मतलब एक शेयर होल्डर की कमाई छह रुपए हो गई तो अर्निंग पर शेयर आपके पास छह रुपए है कह रहे हैं वोट शुड बी दोक्सीमेट डिविडेंट पे आउट रेशो क्या डिविडेंट पे आउट रेशो होगा एज टू की शेयर प्राइस फोर्टी टू अगर शेयर का प्राइस फोर्टी टू हो रहा है तो यहां पर आपको यह नहीं बताया कि डिविडेंड कितना है अब जब देखो मेरे पास क्या-क्या मेरे पास पी आ गया फोर्टी टू पी है डी मुझे नहीं पता डी मुझे नहीं पता ई e मुझे पता है सोलह परसेंट है आर मुझे पता है बीस परसेंट है ई e मैंने निकाल लिया छह रुपए अब मेरे को बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है और मेरे पास आंसर आ जाएगा देखिए कैसे निकलेगा बड़ा सिंपल है फोर्टी टू इक्व टू डी प्लस सिक्स माइनस डी मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी परसेंट डिवाइडेड बाई ओके सोलह तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर डी प्लस अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं सिक्स मल्टीप्लाई वी डिड बाई सी डिवाइडीन D. मैंने क्या करा 20 डिवाइड बाई 16 का आंसर आ रहा है 1.25 1.25 तो से 6 और डी को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट खोल दिया अब जरा यहां पर मेरे पास 7.5 सामने जाकर माइनस का हो जाएगा माइनस का 0.78 पॉइंट सेवन टू डी में से माइनस का 1.25 डी गया 0.25 डी माइनस से माइनस कैंसिल D equals to D equals to by ये मेरे पास आ गया तीन पैसे तो इसका मतलब आप डिविडेंड कितना दे रहे हुगे? तीन रुपए बारह पैसे पे आउट रेशो कितना आ रहा होगा आपका पे आउट तीन रुपए बारह पैसे दे रहे हैं छह रुपए की कमाई में से तो इसका मतलब हमारा पे आउट रेशो फिफ्टी टू परसेंट है पांच नंबर में क्वेश्चन आता है पांच नंबर किस बात के सर इसमें ये तो दो नंबर का भी नहीं है बेटा पांच नंबर इस बात के हैं कि तुमने वोल्टर का फॉर्मूला याद किया होगा तुमने वोल्टर का फॉर्मूला याद करके आया इसका मतलब तुम डिसीजन चैप्टर को पढ़ के आए हो इस बात के पांच नंबर है तो ये आगे फिफ्टी टू परसेंट बिल्कुल सिंपल इसके बाद में इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे बनता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू टोटल अर्निंग दो लाख रुपए की है अच्छा नंबर ऑफ शेयर बीस हजार है ठीक है डिविडेंड पेड एक लाख पचास हजार है ओके पी -E रेशो ट्वेल्व पॉइंट फाइव है ठीक है तो टोटल अर्निंग है दो लाख नंबर ऑफ शेयर है बीस हजार मतलब अर्निंग पर शेयर हो गई दस रुपए एक लाख पचास हजार का तुमने डिविडेंड दिया है तो डिविडेंड हो गया सेवन पॉइंट फाइव ओके इसके अलावा हमारे पास जो कमाई है इसको चौड़ा भी करते हैं एस सर्टेन वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग एन ऑप्टिम डिविडेंड पे आउट पॉलिसी और नोट तो देखिए हमारे पास केई का फॉर्मूला होता है एक के ई का फॉर्मूला होता है वन डिवाइड बाई पीई तो यहाँ पर वन डिवाइड बाई पीई अगर मैं करूं ट्वेल्व पॉइंट फाइव तो मेरे पास आ गया वन डिवाइड बाई ट मतलब हमारी केई है एट परसेंट के हमने निकाल दिया अब हमें कंपनी की रिटर्न निकालनी कंपनी कितना कम आ रही है तो कंपनी कमा रही है दो लाख रुपए और शेयर का फंड कितना है सौ रुपए का शेयर है बीस हजार शेयर है तो कंपनी दो लाख कमा रही है बीस लाख की शेयर कैपिटल पर बीस हजार शेयर सौ रुपए का एक बीस लाख की शेयर कैपिटल हो गई दो लाख रुपए कमा रही है कंपनी बीस लाख की शेयर कैपिटल पर यानी कंपनी टेन परसेंट कमा रही है तो इसमें आर और के आपको निकालना पड़ेगा के ई वन डिवाइड बाई पी से आ जाएगा आर बड़ा सिंपल है दो लाख की कमाई है बीस लाख की शेयर कैपिटल है ठीक है जी तो आर आ गया के ई आ गया ई आ गया डी आ गया अब ये हमसे जो भी पूछे हम वो बता देंगे तो क्वेश्चन कह रहे हैं है? तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है आर इज हायर देन के आर है टेन परसेंट के एट परसेंट तो अगर आर के ई से बड़ा है तो वोल्टर ने कहा है जीरो डिविडेंड देना है आप जीरो डिविडेंड दे रहे हैं या ज्यादा तो आप तो साढ़े सात रुपए डिविडेंड दे रहे हैं पर शेयर पर तो कंपनी इज नॉट फॉलोइंग ऑप्टिमम पे आउट पॉलिसी कंपनी को डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए यहां पर। तो यह यहां पर। इन्होंने सबसे पहले के इसके बाद में आर के ई से बढ़िया है तो हमें कोई भी डिविडेंड नहीं देना चाहिए इसका मतलब हम ऑप्टिम पेआउट को फॉलो नहीं कर रहे ठीक है, है। दूसरा पॉइंट इसमें कह रहे हैं फाइंड आउट वॉट शुड वी दी रेशो कितना पी रेशो होना चाहिए एट विच डिविडेंट पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर जब डिविडेंट पॉलिसी का शेयर पे कोई फर्क ना पड़े तो डिविडेंट पॉलिसी का शेयर पे तब फर्क नहीं पड़ता जब आर और केई बराबर हो तो हमारा आर कितना है दस परसेंट अगर केई भी दस परसेंट हो जाए अगर केई भी दस परसेंट हो आठ दस परसेंट है और केई भी दस परसेंट हो जाए तो यानी कंपनी भी टेन परसेंट कमा रही है शेयर होल्डर भी टेन परसेंट कमा सकता है तो डिविडेंड पॉलिसी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शेयर होल्डर के पास पैसा हो या कंपनी री इन्वेस्ट करे दोनों सिचुएशन में कमाई टेन परसेंट रहेगी तो हमने केई निकाल दिया अभी ये केई नहीं मांग रहे ये हमसे पी रेशो मांग रहे हैं तो बताइए केई का फॉर्मूला क्या होता है वन डिवाइड बाई पी ऐसे ही पी का फॉर्मूला होता है वन डिवाइडेड बाई केई दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ये अब वन डिवाइडेड बाई टेन परसेंट या पॉइंट वन जीरो आ गया टेन तो अगर पी रेशो टेन टाइम्स होगा तो डिविडेंट पॉलिसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो पहले हमने के निकाल निकाल लिया फिर पी -E दिया टाइम्स होना चाहिए ठीक है इसके बाद में क्वेश्चन कह रहे विल योर डिसीजन चेंज इफ पी रेशो इज एट इन स्टेट ऑफ ट्वेल्व पॉइंट फाइव अभी हमारे क्वेश्चन में पी रेशो -E था ट्वेल्व पॉइंट फाइव कह रहे हैं अगर इसकी जगह पर पी रेशो 8 हो तो क्या तुम्हारा डिसीजन बदल जाएगा बताते हैं अभी अगर पी है 8 तो के इ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी होता है 1 डिवाइड बाई 8 तो यहां पर आ गया 1 डिवाइड बाय 8 12.5% तो हमारा के हो गया परसेंट और हमारा आर कितना आ रहा था हमारा आर आ रहा था 10% अब सिचुएशन बदल गई है अब आर इज लोअर देन के आर इज लोअर देन के है तो हमें हंड्रेड परसेंट डिविडेंड पे कर देना चाहिए तो हमारा पे आउट हंड्रेड परसेंट होगा तो थर्ड सिचुएशन अगर के, है तो के से बड़ा है ऐसी में होगा कि आपको हंड्रेड परसेंट पे कर देना चाहिए यह है वोल्टर मॉडल तो इसके ये दो हॉट क्वेश्चन है इसके यही क्वेश्चन है बहुत छोटा सा चैप्टर है इसके बाद में हमारे पास आता है तीसरा गोल्डन मॉडल गोल्डन मॉडल वही है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पढ़ा था तो इन्होंने कहा कि देखो तीन तरीके से हम मॉडल बना सकते हैं सबसे पहला कि हमारी कोई ग्रोथ नहीं है dividend है dividend है है फिक्स कोई ग्रोथ का नाम नहीं तो अगर ग्रोथ का नाम नहीं है तो, तो शेयर का प्राइस होगा डिविडेंट डिड बाई के बात खत्म ओके बोले अगर कॉन्स्टेंट ग्रोथ है तो कॉन्स्टेंट ग्रोथ है तो हमारे पास आ, मैं आपको ये ही बता देता हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम क्या करते थे के इन्होंने यहां पर क्या करा पी जीरो पर आ गया और के यहां पर आ गया तो केमूलाइड बाई के अंदर आपके पास यह माना गया है कि कोई ग्रोथ नहीं है क्वेश्चन में डिविडेंड हर साल दो रुपए है तो दो रूपये ही रहेगा पूरी जिंदगी दूसरा आता है ग्रोथ अगर हो तो वो भी कांस्टेंट तो अगर ग्रोथ होती थी तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था केन e या फिर डी जीरो वन प्लस जी ले लेते थे हम डिवाइडेड बाई पी जीरो प्लस जी अब जरा देखिए जी को सामने लाकर माइनस का किया के माइनस जी हो गया फिर केई माइनस जी करने के बाद में पी जीरो को सामने ले जाएंगे और के सामने ले आएंगे तो हमारे पास पी जीरो इक्व टू हो जाएगा डी वन या फिर डी वन की जगह रख लग सकते हैं डी जीरो वन प्लस जी डिवाइडेड बाई के माइनस जी मैं बताता तो हूं कैसे पहले प्लस का जी सामने जाकर माइनस का हो गया तो सामने हो गया यहां पर के ई माइनस जी अब मुझे पी जीरो निकालना है तो पी जीरो को सामने ले जाइए के ई माइनस जी को डिनोमिनेटर में ले आइए तो दूसरा फॉर्मूला इन्होंने बना दिया हमारे पास डी वन ले लीजिए या फिर डी जीरो वन प्लस जी ले लीजिए डिवाइड बाई के माइनस जी कर दो ठीक है जी चलो जी ये कर लेते हैं दूसरा फॉर्मूला भी बन गया तो d1 वन डिवाइड बाई के माइनस जी या फिर d0 जीरो वन प्लस जी डिवाइड बाई के माइनस जी मैं आपको बता दूं d1 और d0 जीरो वन प्लस जी एक ही बात है डी वन और डी जीरो वन प्लस जी एक ही बात है दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं जैसी इन्फॉर्मेशन हो तो ये तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले आगे सर ये तो हमने पढ़े हुए हैं पहले भी हाँ जी मैं कब मना कर रहा हूं आपने नहीं पढ़े हुए ये बोले हमारे भी तीन रूल हैं क्या जी आर अगर के बढ़ाए तो सारा डिविडेंड रोक लो अगर आर के ई के बराबर है तो कुछ भी करते रहो और आर के छोटा है तो सारा का सारा डिविडेंड पे कर दो यानी वोल्टर और गोर्डन दोनों एक ही बात कहते हैं कंपनी ज्यादा कमा रही है शेयर होल्डर से तो डिविडेंड ना दे और कंपनी कम कमा रही है तो सारा डिविडेंड दे दे ठीक है इसका एक तीसरा पैटर्न है वेरिएबल ग्रोथ वेरिएबल ग्रोथ के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी अलग से पहले नॉर्मल ग्रोथ के क्वेश्चन दिखाता हूं इन्होंने कहा कि ग्रोथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है बी इंटू आर यह भी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा हुआ है बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो कि आप रिटेन कितना कर रहे हो और आर का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर आई ऑफ कंपनी कि कंपनी कि कितना कमा रही है ठीक है अब इसका क्वेश्चन देखेगा बीबीक्यू क्यू सेवेंटी एट कह रहे हैं हमारे पास द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड नेट प्रॉफिट थर्टी लाख है आउटस्टैंडिंग प्रीफरेंस शेयर एक करोड़ के हैं बारह परसेंट तो बारह लाख का प्रीफरेंस डिविडेंड हो गया ठीक है जी प्रीफरेंस डिविडेंड नेट प्रॉफिट यानी पीएटी नंबर ऑफ शेयर तीन लाख है आर हमारे पास ट्वेंटी परसेंट है के हमारे पास सिक्सटीन परसेंट है तो हमारा ईपीएस कितना हो गया तीस लाख रुपए की कमाई जिसमें से बारह लाख का प्रीफरेंस डिविडेंट जाएगा अठारह लाख की कमाई बची तीन लाख शेयर्स पर तो एक शेयर पर हम छह रुपए कमा रहे हैं सिक्स पर शेयर ये हमारा ईपीएस आ गया ठीक है अब कह रहे हैं गोल्डन मॉडल से प्राइस निकालो अगर डिविडेंड पे आउट पच्चीस परसेंट हो तो पचास परसेंट हो तो और सौ परसेंट हो तो तो अगर डिविडेंट पे आउट आपका पच्चीस परसेंट है तो देखिए डिविडेंड कितना दोगे आप छह रुपए का पच्चीस का पच्चीस डिविडेंटोगे ठीक है अगर पचास परसेंट तो पर हो तो आप डिविडेंड कितना दोगे तीन रुपए और अगर आप हंड्रेड परसेंट पर हो तो डिविडेंड कितना दोगे आप डिविडेंट दोगे छह रुपए ठीक है अब आता है दूसरा पॉइंट ग्रोथ कि ग्रोथ कितनी होगी क्वेश्चन ने कहा है कि ग्रोथ कैसे निकालेंगे बी इंटू आर रिटेन कितना किया आपने परसेंट रिटेन किया ओके okay. आर कितना है आपका बीस परसेंट तो सेवेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी परसेंट सेवेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी परसेंट आपकी ग्रोथ पंद्रह परसेंट होगी दूसरे केस में आपने रिटेन कितना किया पचास परसेंट दिया पचास परसेंट रिटेन कर दिया कमाई है ट्वेंटी परसेंट तो आपकी ग्रोथ टेन परसेंट होगी और थर्ड केस में आपने रिटेन कितना किया जीरो परसेंट और कमाई है आपकी बीस परसेंट तो ग्रोथ होगी जीरो परसेंट तो हमारे पास दो चीजें आपको तो निकालनी पड़ेंगी इसमें तीन केस दिए पच्चीस पचास और सौ परसेंट तो डिविडेंड यहां पर डेढ़ रुपए यहां पर तीन रुपए और यहां पर छह रुपए यहां पर ग्रोथ फिफ्टीन परसेंट यहां टेन परसेंट और यहां पर जीरो परसेंट ग्रोथ आपके पास आ जाएगी आ जाइए आप जरा यहाँ पर हमारे पास 25 परसेंट पे आउट है तो आपके पास हमारे पास फोर डी वन डिवाइड बाई के तो पहले वाले देखिए कितना डिविडेंट दिया पैसे सोलह परसेंट ग्रोथ है पंद्रह परसेंट तो शेयर का प्राइस एक सौ पचास होगा ये आ गया एक सौ पचास दूसरे केस में आपने डिविडेंट दिया तीन रुपए सिक्सटीन परसेंट माइनस टेन परसेंट तो आपके पास थ्री डिवाइड बाई सिक्स परसेंट पचास रुपए होगा शेयर का प्राइस ये आ गया जी और लास्ट केस में आपने डिविडेंड दिया छह रुपए जीरो परसेंट तो सिक्स ये आपके पास आ गया थर्टी सेवन पॉइंट फाइव काम खत्म पांच नंबर में क्वेश्चन मिलेगा आपको ये तीन पे आउट दे देगा तीनों पे कहेगा कि आपको डिविडेंड बताना है कितना कितना आएगा ठीक है जी इसके बाद में इसकी आती है वेरिएबल ग्रोथ वेरिएबल ग्रोथ में क्वेश्चन क्या करेगा आपको क्वेश्चन आपको ऐसे कहानी बता देगा कि भाई हमारी शुरू के चार पांच साल इतनी ग्रोथ है जैसे कह दिया पांच साल तक हमारी ग्रोथ यहां से यहां तक दस परसेंट रहेगी उसके बाद कह सकता है हमारी ग्रोथ पांच परसेंट रहेगी चार रहेगी तीन रहेगी ऐसे कहानी सुनाता रहेगा फिर एक पॉइंट पे जाके बोलेगा कि अब हमारी ग्रोथ फिक्स हो जाएगी जैसे मान लो कह दिया कि फिफ्थ ईयर के बाद हमारी ग्रोथ फिक्स है और यहां से हमारी ग्रोथ हो जाएगी पांच परसेंट और वो इन्फिनाइट पीरियड तक फिक्स रहेगी तो इन्फिनाइट पीरियड तक अगर आपकी ग्रोथ फिक्स है यानी यहां तक पूरी जिंदगी तक आपकी ग्रोथ फिक्स रहेगी तो हमारे को ना फिक्स ग्रोथ का फॉर्मूला पता होता है फिक्स ग्रोथ का फॉर्मूला क्या रहता है पी जीरो इक्व टू डी वन डिवाइड बाई के माइनस जी हमारा शेयर का वैल्यू निकालने का तरीका है फिक्स ग्रोथ में लेकिन जब आपके पास वेरिएबल ग्रोथ है तो आप नहीं निकाल सकते वेरिएबल ग्रोथ में क्या होगा कभी दस परसेंट है कभी पांच परसेंट है तो आप ये कंफ्यूज हो जाओगे यहां ग्रोथ में दस परसेंट रखू या पांच परसेंट रखू क्योंकि एक ही शेयर कुछ टाइम दस परसेंट से बढ़ रहा है कुछ टाइम पांच परसेंट से बढ़ रहा है तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है निकालने का यहां पर हम बोलते हैं कि शेयर का जो प्राइस है प्राइस ऑफ शेयर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर बेनिफिट होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर बेनिफिट ठीक है अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे जब तक हमारा वेरिएबल ग्रोथ है वेरिएबल ग्रोथ जब तक चलेगी तब तक का जो भी डिविडेंड हमें मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे तो वेरिएबल ग्रोथ जब तक चलेगी जैसे हमारी ग्रोथ कह रहे हैं दस परसेंट है फिर कह रहे हैं बारह परसेंट है फिर कह रहे हैं आठ परसेंट है सात परसेंट है जितने साल तक वेरिएबल ग्रोथ आपकी चलनी है उन सब के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू आप लोग निकालेंगे और जिस दिन आपकी ग्रोथ हो गई फिक्स ग्रोथ फिक्स हो गई आपकी उस ग्रोथ के फिक्स होते के साथ आप वहां पर शेयर का प्राइस निकाल सकते हैं ग्रोथ जहां फिक्स हो जाती है वहां शेयर का प्राइस निकाला जा सकता है मान लो दसवें साल ग्रोथ फिक्स हो गई तो दसवें साल ग्रोथ फिक्स हुई है तो आप पीटेन यानी दसवें साल का शेयर का प्राइस निकाल सकते हो मुझे बताइए पी जीरोक्व टू क्या होता है डी यानी अगर आज का शेयर का प्राइस निकालना है तो आने वाले डिविडेंड को लेते हैं हम तो अगर P10 पर आपकी ग्रोथ फिक्स होन पर तो यहां लिया जाएगा D11 तो जो भी यहां पर आप निकालने वाले हैं उससे अगले साल का डिविडेंड रहता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइड बाई के माइनस जी तो आप यहां पर जब भी आपकी ग्रोथ फिक्स हो जाएगी वहां पर शेयर का प्राइस निकाल देंगे और उसकी भी निकाल देंगे प्रेजेंट वैल्यू तो जब तक वेरिएबल ग्रोथ है उस सारे डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकालिए जिस दिन ग्रोथ फिक्स हो गई शेयर का प्राइस निकाल लीजिए दसवे साल पर क्या होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए ये सारी प्रेजेंट वैल्यू ही होती है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर देखते हैं अभी जरा कैसे चलता है क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है बहुत आसान है देखिए कहानी पढ़ते हैं मैं कहानी के साथ आपको समझाऊंगा ये स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है एक बार एग्जाम में आ चुका है एंड आर लिमिटेड इज लार्ज कैप मल्टीनेशनल कंपनी लिस्टेड इन बी एस सी इन इंडिया विद्यू ऑफ हंड्रेड रुपीज पर शेयर कोई काम नहीं लाइन का कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फिफ्टीन परसेंट पर एन एम फॉर नेक्स्ट फोर इयर चार साल तक पंद्रह परसेंट ग्रोथ मिलेगी देन फाइव परसेंट फॉर इनडेफिनेट पीरियड तो यहां पर आकर ये फिक्स हो गई तो पहले चार साल पंद्रह परसेंट है फिर फिक्स हो जाएगी ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा पहले चार साल का डिविडेंड लो उसकी पेडेंट वैल्यू निकाल दो उसके बाद फोर्थ ईयर के एंड पे फिक्स हो गई है तो फोर्थ ईयर के एंड पे शेयर की वैल्यू निकाल दो मैं क्वेश्चन करके बता देता हूं आपको बहुत सिंपल है द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ट्वेंटी परसेंट है तो ये डिस्काउंटिंग रेट बनेगा तो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट सॉरी ट्वेंटी परसेंट हम लोग ले लेंगे ओके कंपनी इज पेड वन ट्वेंटी डिविडेंट पर शेयर फॉर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री शेयर ऑफ द कंपनी ट्रेडेड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ थ्री वन टू टू ऑन लास्ट डे अभी हमारा शेयर का प्राइस इकतीस सौ बाईस चल रहा है आपको इंट्रेंजिक वैल्यू ऑफ शेयर या करंट वैल्यू ऑफ शेयर या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर तीन चीजें लिखी हो सकती हैं करंट वैल्यू ऑफ शेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर इंट्रेंजिक वैल्यू ऑफ शेयर तीनों का एक ही मतलब है एंड स्टेट वेदर शेयर इज ओवर प्राइस और अंडर प्राइस तो इसमें हमें करना क्या है सिंपली अभी लास्ट डिविडेंड जो आपने दिया था वो एक सौ दिया था चार साल तक की ग्रोथ फिक्स है हमारा जो मेन मुद्दा है वो है कि चार साल तक पंद्रह परसेंट ग्रोथ है फिर फिक्स हो जाएगी डिविडेंड एक सौ बीस रुपये आपने लास्ट दिया है और शेयर होल्डर को रिटर्न ट्वेंटी परसेंट चाहिए अब इसमें हम क्या करेंगे हमें पी जीरो निकालना है कि आज शेयर का प्राइस क्या होगा तो बड़ा सिंपल डी वन डी टू डी थ्री D4 ये चार साल तक वेरिएबल ग्रोथ है अभी आपका शेयर 120 का है 15 परसेंट के बताओ कितना डिविडेंड मिलेगा अगले साल अभी एक रुपए का डिविडेंड दिया है तो 15 परसेंट जोड़कर 138 का डिविडेंड अगले साल मिल जाएगा ठीक है फिर उससे अगले साल फिर 15 परसेंट ग्रोथ है फिर कितना डिविडेंड मिलेगा वन फिफ्टी एट पॉइंट सेवन शेयर में और प्राइस मतलब डिविडेंड में तो ये हो जाएगा 182.51 उसके बाद में फिर 15% परसेंट ग्रोथ होगी शेयर में डिविडेंड में 182.51 प्लस 15% तो ये हो जाएगा 209.89 तो चार साल का डिविडेंड आपको इतना इतना मिलेगा एक सौ अभी रुपए दिया था D1 कितना मिलेगा 15% परसेंट बढ़कर फिर D2 और 15% परसेंट बढ़कर फिर D3 और 15% परसेंट बढ़कर फिर D4 और 15% परसेंट बढ़कर ठीक है जी ये मिल गया इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे तो चौथे साल, साल में क्या हुआ चौथे साल में फिर ग्रोथ हो गई फिक्स कह रहे हैं चार साल तक रहेगी पंद्रह परसेंट फिर पांच परसेंट फिक्स हो जाएगी कोई बात नहीं तो फोर्थ ईयर के एंड में ग्रोथ फिक्स हो जाएगी तो यहीं पर हम साथ में निकालेंगे इसके इसी के साथ में हम निकाल देंगे P4 P4 कैसे निकालोगे P4 निकालने के लिए D5 फाइव के D5 कैसे निकलेगा D4 है 209.89 अब अगले साल का डिविडेंड पांच परसेंट ग्रो करेगा क्वेश्चन ने बोला है पांच परसेंट ग्रोथ हो जाएगी ठीक है डिवाइड कितना है बीस परसेंट जी कितना है पांच परसेंट फिक्स हो जाएगा तो दो सौ नौ रुपए नवास्सी पैसे प्लस पांच परसेंट दो सौ बीस रुपए का डिविडेंड मिलेगा डी फाइव पर डिवाइड बाई के परसेंट टू थ्री आपके शेयर का प्राइस हो जाएगा तो जब ग्रोथ फिक्स हो जाएगी P4 पे फिक्स हुई है तो P4 पे हम शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं P4 में D5 फाइव डिवाइड बाई के ई माइनस जी अब इसकी भी प्रिजेंट वैल्यू निकाल लीजिए चार साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर लेकर यहाँ चार साल का यहाँ चार साल का यहाँ तीन दो एक साल का निकलेगा ये जितनी भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी वही शेयर का प्राइस होना चाहिए अब जरा देखिए हमने यहां पे ले लिया पहले साल का डिविडेंड दूसरे साल का तीसरे साल का चौथे साल का डिविडेंड और फिर P4 की वैल्यू जब ग्रोथ फिक्स हो गई डिस्काउंटिंग रेट से मल्टीप्लाई करा डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाला आज शेयर की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ग्यारह रुपए बनती है और आपका शेयर बाजार में कितने का बिक रहा है थ्री का थ्री वन डबल टू का शेयर बिक रहा है ग्यारह सौ चालीस रुपए का शेयर है तो आपका शेयर नाइनटीन एटी टू रुपीज से ओवर है ये ओवर शेयर हो गया ओके जी इसके बाद में हमारे पास है ट्रेडिशनल मॉडल ट्रेडिशनल मॉडल ग्राहम एंड डोड ने निकाला है इन्होंने कहा कि भाई हम शेयर का प्राइस कैसे निकलता है वो बताते हैं इनसे पूछा गया इस फॉर्मूले का क्या सेंस है बोले हमने 200 कंपनियों के ऊपर रिसर्च किया फिर मैथमेटिकल डेटा निकाला और एक फार्मूला बनाया है इनसे पूछा गया इस फॉर्मूले का कोई बेस है बोले इसका कोई बेस नहीं है ये सिर्फ रिसर्च बेस्ड है तो इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया जिसका कोई रिसर्च नहीं है कोई बेस नहीं है बस सीधे ये कह दिया गया कि भाई ग्राउंड रोड का ट्रेडिशनल मॉडल है इन्होंने कहा प्राइस ऑफ शेयर इक्व टू एम यानी मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर के मल्टीप्लायर कैसे आएगा बोले ये, हम खुद बता देंगे आपको अलग अलग कंपनी के हिसाब से अच्छा डी डी प्लस ई का मतलब है डीपीएस ई e का मतलब है ईपीएस डिवाइड बाई थ्री हाँ इन्होंने एक बात जरूर बोली इन्होंने कहा ने कि जो शेयर का प्राइस होता है

बस इतना ही फॉर्मूला है इनका देखेगा company, 30. E आ गया हमारे पास डिविडेंड डिविडेंट पेट परसेंट है तो तीस रुपए का डिविडेंड uh, निकल कर आ गया चलो जी ई भी आ गया डी भी आ गया मल्टीप्लायर टू है अब बताइए पी इक्व टू मल्टीप्लायर डी प्लस ई बाई थ्री मल्टीप्लायर है टू डिविडेंड है अट्ठारह है तीस बाई तीन ये हो गया दस और अट्ठारह अट्ठाईस छप्पन रुपए हो गया फिफ्टी सिक्स आपके शेयर का प्राइस निकल आया मतलब फॉर्मूला काम खत्म इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन है स्टडी मैट में दो क्वेश्चन है इसके टोटल एक ये है और एक ये वाला दूसरा करेंट डिविडेंड पे आउट रेशो फोर्टी परसेंट है तो अर्निंग ईपीएस टू फोर्टी परसेंट ऑफ अर्निंग है पॉइंट फोर ई अर्निंग का फोर्टी परसेंट कह रहे हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं डिविडेंट पॉलिसी में मल्टीप्लायर हमारे पास नाइन है पी रेशो बताओ पी रेशो हमसे पूछ रहे हैं अब जरा देखिए पी इक्व टू एम डी प्लस ई बाई थ्री पी हमारे पास प्राइस नहीं बताया ओके मल्टीप्लायर हमारे पास है नाइन डिविडेंड हमारे पास है अर्निंग का फोर्टी परसेंट प्लस ई बाई थ्री ठीक है जी अब हमारे पास पी इक्वस टू नाइन को खोल लेते हैं हम नाइन मल्टीप्लाई पॉइंट फोर ये हो गया थ्री पॉइंट सिक्स ई प्लस और ये हो गया थ्री ई थ्री से नाइन कैंसिल हो गया तो हमारे पास हो गया p इक्वस टू सिक्स पॉइंट सिक्स ई ई को अगर सामने ले जाए तो p डिवाइड बाईक् टू सिक्स पॉइंट सिक्स क्वेश्चन ने यही पूछा था कि पी ई रेशो बता दो तो पी रेशो सिक्स पॉइंट सिक्स आ जाएगा हमारे पास और क्वेश्चन खत्म हो गया तो यही दो क्वेश्चन है एक हमारे पास लास्ट मॉडल है जॉन लिंटर मॉडल जॉन लिंटर मॉडल क्या कहता है यह कहता है कि आपकी जितनी भी कमाई इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है पूरी शेयर होल्डर के पास नहीं जानी चाहिए यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपकी कमाई पिछले साल अर्निंग सौ रुपए थी और आपका डिविडेंड पे आउट है फिफ्टी परसेंट तो आपने पचास रुपए दिए होंगे शेयर होल्डर को ठीक है अब आपकी कमाई अगले साल मान लो एक रुपए हो गई तो आप पिछहत्तर रुपए देने की सोच रहे हो बोले ऐसा मत करो आपकी कमाई अगर 50 परसेंट बढ़ी है तो डिविडेंड को भी 50 परसेंट बढ़ा देने से शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगी ऐसे ही अगर आपकी कमाई कम हो जाए तो शेयर होल्डर को एकदम से रिड्यूस करके देने की जरूरत नहीं है मान लो आपकी कमाई पचास रुपए हो गई तो फिफ्टी कम हो गई तो आप डिविडेंट पच्चीस कर दोगे बोले तो डिविडेंट आप पच्चीस रूपए कर दो माइनस पचास परसेंट ऐसा नहीं करना चाहिए तो ये इनसे पूछा गया तो तो भाई साहब ऐसा नहीं करना चाहिए तो कैसा करना चाहिए हमें वही बता दो आप तो बोले मैं आपको तो तरीका बताता हूं बोले देखो डिविडेंट आपको जब देना है आप सबसे पहले सोचो पुराना डिविडेंट आपने कितना दिया था तो जैसे मैंने पचास रुपए डिविडेंट दिया था लिख लो ठीक है प्लस बोले अब आप क्या करो जो भी आपकी अर्निंग है मल्टीप्लाई बाई डिविडेंट पे आउट जो भी आपका रेशियो है वो ले लो ठीक है जी ले लिया तो हमारी अर्निंग इस बार कितनी है जी पचास हुई है डिविडेंड पे आउट फिफ्टी परसेंट है तो हमारे हिसाब से पिछहत्तर रुपए हो गए बोले ठीक है अब इसमें से डिविडेंड माइनस करो पिछले साल का तो पचास रुपए पिछहत्तर रुपए इस साल हमारे देने बनते हैं उसमें पचास माइनस किए यानी पच्चीस रुपए तुम बढ़ाकर देने वाले हो डी जीरो हो गया पचास रुपए जो तुमने पिछले साल दिया था अब हमने देखा इस साल का पिछहत्तर बन रहा है तो इस साल का पिछहत्तर बन रहा है तो पचास रुपए से कितना ज्यादा है पच्चीस रुपए मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि शेयर होल्डर को दिया जाए पूरा पच्चीस रुपए होल्डर को मत पहुंचाओ तो बोले यहां पर लगेगा एडजस्टमेंट फैक्टर वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा तो जैसे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया परसेंट कि देंगे तो एडजस्टमेंट फैक्टर हो गया सिक्सटी पच्चीस तो रुपए का सिक्सटी परसेंट यानी कि पंद्रह रुपए ही शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा दिए जाएंगे तो पचास रुपए पहले दे रहे थे अब 15 बोला डी जीरो कमाई में से डी जीरो निकाल लो इंक्रीज इन डिविडेंड कितना हो रहा है पूरा इंक्रीज इन डिविडेंड मत दो बल्कि मैनेजमेंट इस पर कुछ एडजस्टमेंट फैक्टर करे थोड़ा रिड्यूस करके इसको भेजा जाएगा तो जॉन लिंटर साहब का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है पूरे स्टडी मेट में एग्जाम में भी एक बार आया यही आया है आज तक और कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है द लास्ट ईयर डिविडेंड 9.8 तो 9.8 है हमारा पिछले साल का डिविडेंड प्लस हमारा इस साल का ईपीएस है बीस रुपए इस साल हमने बीस रुपए कमाए हैं पे आउट रेशो हमारा सिक्सटी परसेंट है तो हम बारह रुपए देने की सोच रहे हैं बारह रुपए में से नाइन पॉइंट एट माइनस किया बताइए इस तो इसका पैंतालीस परसेंट दे दो तो पॉइंट नाइन नाइन आ गया नाइन पॉइंट एट पिछला था पॉइंट नाइन नाइन बढ़ाकर हम दे, दे देंगे इस बार टेन पॉइंट सेवन नाइन का डिविडेंड दिया जाएगा टेन पॉइंट सेवन नाइन ओके जी यह हमारा पूरा डिविडेंड डिसीजन खत्म एक बार जरा सारे के सारे फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं फिर से एमएम कहता है कि डिविडेंड आप दो या मत दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके तीन स्टेप हैं है। पी वन इक्व टू पी जीरो वन प्लस के ई माइनस डी वन दूसरा स्टेप डेल्टा एन निकालना है डेल्टा एन में इन्वेस्टमेंट माइनस ब्रैकेट ई माइनस डी डिवाइड बाई पी वन और तीसरा स्टेप है वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है जिसमें ब्रैकेट के अंदर एन प्लस डेल्टा एन मल्टीप्लाई बाई पी वन माइनस का आई प्लस का ई डि फिर आता है वोल्टर मॉडल वोल्टर मॉडल कहता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पी इक्वस टू डी प्लस ई माइनस डी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई आर बाई के ई और पूरी इक्वेशन डिवाइडेड बाई के ई कर लीजिए यहां पर इन्होंने तीन बातें बोली बोले अगर आर के ई से बड़ा है तो आपको जीरो पे आउट करना चाहिए अगर आर और के ई बराबर है तो कुछ भी करिए और आर के ई से छोटा है तो हंड्रेड परसेंट पे आउट कर दीजिए फिर आता है गोल्डन मॉडल गोल्डन मॉडल कहता है अगर कोई ग्रोथ नहीं है तो पी इक्वस टू डी डिवाइड बाई के ई अगर कॉन्स्टेंट ग्रोथ है तो पी इक्वस टू डी वन या फिर डी जीरो वन प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी और अगर वेरिएबल ग्रोथ है तो आपको लेना है जितने ईयर की वेरिएबल ग्रोथ है उतने ईयर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू और जिस ईयर में डिविडेंड फिक्स हो जाएगा उस डिविडेंड का शेयर प्राइस तो चार साल तक अगर ग्रोथ आपकी वेरिएबल है तो चार साल का डी वन डी टू डी थ्री डी फोर ले लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो फिर चार साल के बाद में ग्रोथ फिक्स हो रही है तो चार साल के एंड पे ही पी फोर निकाल देंगे जिस ईयर में वेरिएबल ग्रोथ बंद हुई है उसी ईयर में निकलेगा यानी चार साल की वेरिएबल ग्रोथ थी तो P चार्ज फोर्थ ईयर पे निकलेगा तो P4 कैसे निकालेंगे P4 फोर इक्व टू डी डिवाइड बाय के माइनस जी फिर उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए ग्राहम एंड डोट ने दिया हमारे को ट्रेडिशनल मॉडल इन्होंने ट्रेडिशनल मॉडल के अंदर कहा कि डिविडेंड का ज्यादा जोर है अर्निंग से तो इन्होंने D प्लस ई बाई थ्री लिया E को डिवाइड बाई थ्री कर दिया जिससे उसका वजन कम हो जाए तो डी प्लस ई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लायस टू पी पूरा डेटा आपको एग्जाम में मिलेगा और लिंटर साहब ने कहा कि डिविडेंड किस तरह से बांटना चाहिए बन रहा है मल्टीप्लाई बाई एडजस्टमेंट फैक्टर तो इससे आपके पास डीवन आ जाएगा ये हमारे पास पूरा डिसीजन चैप्टर है जो क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं इन्हीं एक में से एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आपको मिल जाएगा फाइव मार्क्स में मिलेगा पांच नंबर का एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है आपका इन्हीं में से हाँ जी अब मैंने लाइव चैट ऑन कर दिए किसी का कोई पॉइंट है तो बताइए हां जी डिविडेंड डिसीजन चैप्टर खत्म बहुत ही सिंपल सोवर सा चैप्टर है पांच नंबर आपको फिक्स देता है ये पांच नंबर इसमें से आपको मिलने ही मिलने हैं किसी को कोई डाउट इसमें ठीक है जी आ जाओ अब हम लोग देखो अब हम लोग बिना ब्रेक के एक छोटा सा चैप्टर और निपटाएंगे और इसके अंदर हमारे पास चार ही क्वेश्चन है कैश मैनेजमेंट ठीक है उसके बाद में हम लो, हम लोग इसका जो है आ, पहले कैपिटल कैश मैनेजमेंट निपटाएंगे इसमें तीन चार ही क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर भी नहीं है इसमें पांच सात अटेम्प्ट में कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मैंने तीन चार क्वेश्चन इसमें रख दिया कि अगर कोई फंस जाए तो फंस जाए वरना इसकी इंपॉर्टेंस कम है तो बिना ब्रेक के पहले ये वाला चैप्टर करेंगे फिर ब्रेक लेके कैपिटल स्ट्रक्चर करेंगे ठीक है आ जाओ जी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैश मैनेजमेंट एक बच्चा पूछ रहा है सर ये फॉर्मूले रटने पड़ेंगे उसके यस बिल्कुल अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो आपको वैसे याद होंगे अदरवाइज रट रट लीजिए और सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएगा हाँ जी ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट तो कैश मैनेजमेंट चैप्टर एग्जाम में सात आठ अटेम्प्ट में एक बार कोई इसका एक क्वेश्चन आता है लेकिन देखो हमें नहीं पता हमारे अटेम्प्ट में आ जाए तो इंपॉर्टेंस तो रहेगी रहेगी ओके इसके अंदर सिंपली आपको कैश बजट बनाना होता है कमिंग पीरियड के लिए और उसके बाद में हमारे को एक्शन लेना होता है आगे आने वाले टाइम के लिए जैसे कि आपने कैश बजट बनाया अब मान लीजिए आपने सोच रखा है कि आपके पास पचास हजार का कैश बैलेंस हमेशा होना चाहिए और जो बजटेड कैश बैलेंस है वो आया बीस हजार रुपए तो इसका मतलब बजटेड कैश बैलेंस रिटायर्ड कैश बैलेंस से कम है तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास कैश की फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाली है हम बेसिकली बजट बना रहे हैं अभी तो बजट में हमारे हिसाब से हम पे पचास हजार कैश रहना चाहिए बजट में निकल कर आया बीस हजार ही होगा तो हमारे पास कैश की शॉर्टेज होने वाली है तो अगर आपके पास कैश की शॉर्टेज होने वाली है तो आप अभी से प्लानिंग करो कि कैश किस तरह से आ सकता है तो आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज है तो उन्हें बेच दो या फिर बैंक से आप ओवरड्राफ्ट वगैरह सीसी लिमिट कुछ उठा लो अगर बजटेड कैश और डिजायड कैश सेम है तो कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है और अगर बजटेड कैश बैलेंस ज्यादा आ रहा है डिजायर से तो सरप्लस कैश हो गया एक्स्ट्रा फालतू पैसा हो गया तो फालतू पैसा आपको अपने करंट अकाउंट में नहीं रखना रीजन बींग करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता और अगर कुछ कम, कुछ बैंक पॉलिसी निकाली हुई भी, भी है कि करंट अकाउंट पे भी इंटरेस्ट दे देते हैं वो तो अगर मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है तो आपके पास सरप्लस कैश है तो उसको कहीं पर इन्वेस्ट करने का प्लान करिए जहां से आपके पास इनकम आ सके जैसे कुछ ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटी ले लीजिए जिनके प्राइस आगे इन फ्यूचर बढ़ने वाले हैं तो यहां पर मेन जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा कैश बजट बनाने का उसी के ऊपर क्वेश्चन का जोर रहेगा कैश बजट बड़ा सिंपल सा है ओपनिंग बैलेंस लीजिए कैश का फिर कलेक्शन ले लीजिए आ जाएगा टोटल ए इसमें से पेमेंट माइनस कर दीजिए आ जाएगा टोटल बी ए में से बी माइनस करिए ये टोटल रिसीट और ओपनिंग बैलेंस ये पेमेंट क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा यही क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा इसमें ध्यान रखना है कई बार क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है क्लोजिंग बैलेंस पर कई बार क्वेश्चन आपको कह देता है जैसे मान लो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आया बीस हजार क्वेश्चन साइलेंट है तो बीस हजार ही अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा कई बार क्वेश्चन कहता है कि मेरे को कम से कम पचास हजार का कैश बैलेंस रखना है इस हिसाब से कैश बैलेंट बनाओ तो आपका अगर बीस हजार का कैश बैलेंस आया तो तीस हजार का हम अरेंजमेंट ऑफ कैश कर लेंगे और मान लो आपका कैश बैलेंस आया सत्तर हजार तो हम बीस हजार रुपए कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे और लास्ट में पचास हजार का कैश बैलेंस बच जाएगा फिर ये अगले महीने का ओपनिंग कैश बैलेंस बनेगा ठीक है तो इसमें हमारे पास मंथवाई जाता है कई बार टोटल का कॉलम भी मांग लेता है अगर टोटल का कॉलम बनाने के लिए कहे तो ध्यान रखना टोटल के कॉलम में जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो अक्टूबर महीने का होगा तीन महीने का है जैसे मान लीजिए तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो टोटल में ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट डेट का आएगा तो यहां पर स्टार्ट डेट एक अक्टूबर होगी और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो दिसंबर वाला होगा तो 31 दिसंबर का क्लोजिंग आ जाएगा तो आपको इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी बस टोटल के कॉलम में ये ध्यान रखना कि ओपनिंग बैलेंस अक्टूबर का रखना फिर ये जितनी रिसीट है इसका टोटल जितनी पेमेंट है इसका टोटल तो तीन महीने की रिसीट तीन महीने की पेमेंट लोगे क्लोजिंग बैलेंस पर ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाओगे ओके इसके क्वेश्चन अगर हम देखें किस तरह से लिखते हैं बीबीक्यू थर्टी इसमें मैंने दो तीन क्वेश्चन ले लिए प्रैक्टिस के लिए बाकी कैश मैनेजमेंट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए भगवान जाने और सात आठ अटेम्प्ट में एक बार आता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है लेकिन फिर भी करके जाना है तो यहां पर जो क्वेश्चन है उसके अलावा आपको कैश मैनेजमेंट के कुछ और बेहतर क्वेश्चन लगते हैं तो आप वो ट्राई कर लीजिएगा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ए बी सी कंपनी फॉर द ईयर ट्वेंटी सिक्सटीन प्रोजेक्टेड सेल इन लैक्स थर्टी फाइव लैख फोर्टी लैख फोर्टी लैख फोर्टी फाइव लैख फोर्टी सिक्स लैख ठीक है जी प्रॉफिट सेल का ट्वेंटी परसेंट है तो हमारे पास थर्टी फाइव लैख में से ट्वेंटी करूंगा सीओजीएस आ जाएगा में से ट्वेंटी परसेंट सीओजीएस आ टेन परसेंट ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स विल बी इन कैश आउट ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ मंथ फिफ्टी परसेंट कलेक्टेड इन मंथ एंड बैलेंस विल बी कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ फॉलोइंग ओके तो हमारे पास दस परसेंट सेल तो कैश में होगी जो क्रेडिट सेल है उसका आधा हिस्सा एक महीने में और बचा हुआ आधा हिस्सा उससे अगले महीने में मिल जाएगा तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें ओपनिंग बैलेंस कहां पर है एज्यूम नो मिनिमम कैश बैलेंस इज रिक्वायर्ड ओपनिंग कैश बैलेंस इज एस्टिमेटेड टेन लैक दस लाख का हमारा कैश बैलेंस ओपनिंग है और मिनिमम मैक्सिमम कैश का कोई लेना देना नहीं है यानी ए माइनस बी करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही ओपनिंग बन जाएगा ठीक है तो हमारे पास सबसे पहले दस लाख का ओपनिंग कैश बैलेंस आ गया ठीक है अक्टूबर से हम लोगों ने चालू किया है अब जरा देखिए अक्टूबर की चालीस लाख की सेल है दस परसेंट सेल तो हो गई कैश में चार लाख की सेल कैश में हो गई बचा थर्टी सिक्स लैख उसका अठारह लाख रुपए यानी थर्टी सिक्स लैख का फिफ्टी परसेंट अगले महीने और बचा हुआ अठारह लाख रुपए उससे अगले महीने मिल जाएगा तो चालीस लाख में से चार लाख अब मिल गए बचे थर्टी सिक्स अठारह अगले महीने अठारह उससे अगले महीने फिर इसके बाद में नवंबर की फोर्टी फाइव लैक है तो फोर्टी फाइव लैख का टेन परसेंट चार लाख पचास हजार रुपए यहाँ पर मिल गए अब बचे कितने फोर्टी फाइव लैख में से चार लाख पचास हजार चले गए फोर्टी लैख फिफ्टी थाउजेंड बचे इसका आधा अगले महीने बीस लाख पच्चीस हजार और उससे आधा जनवरी में मिलेगा जनवरी हमें बनाना ही नहीं है तो हमारे को जहां तक बनाना है वहां पर हम अपना हाथ रोक देंगे तो इस तरीके से हमारे पास कलेक्शन आ जाएगा ठीक है अब हमारे पास इसके बाद में क्रेडिटर्स विल बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग क्रेडिट परचेज हम क्रेडिट परचेज जैसे इस महीने करते हैं तो उसकी पेमेंट अगले महीने करते हैं देयर विल बी क्रेडिट परचेज ओनली ओके वेजिज एंड सैलरी विल बी पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ अमाउंट विल बी थ्री लैख ईच मंथ हर महीने की तीन लाख रुपए की आपकी सैलरी और वेजेज है और इस महीने की अगले महीने अगले महीने से उससे अगले महीने यानी अक्टूबर की नवंबर में नवंबर की दिसंबर में दिसंबर की जनवरी में ऐसी चलती रहती है लेकिन अगर हर महीने की अमाउंट सेम है तो आपकी जेब से हर महीने तीन लाख रुपए जाते दिखेंगे तो यहां पर वेजिटेंट सैलरी अक्टूबर में दी गई होगी किसकी अक्टूबर से पिछले महीने की सेप्टेंबर की नवंबर में दी गई होगी अक्टूबर की दिसंबर में दी गई होगी नवंबर की पर इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर अमाउंट फिक्स है तो हर साल तीन लाख ही जाएंगे चाहे वो पिछले महीने के जाएं या अगले महीने के तो तीन तीन लाख रुपए हमारे पास इसके बाद में आपसे एडमिन पर मंथ तो एडमिन एक्सपेंस आ गए पर मंथ ये भी वन लैख ऐसे चलता रहेगा ठीक है।, है इसके बाद में यहां पर कह रहे हैं इंट्रीम डिविडेंड टू लैख पेड इन दिसंबर तो दिसंबर में दो लाख का डिविडेंड दिखा दो दिसंबर में दो लाख का डिविडेंड दिखा दिया इसके बाद में कह रहे हैं मशीन दस लाख रुपए की है में ली है रीपेमेंट बाई इंस्टॉलमेंट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड पर अक्टूबर तो अक्टूबर से हर महीने की पचास हजार की इंस्टॉलमेंट जाएगी तो पचास हजार की आपकी ये इंस्टॉलमेंट जा रही है ठीक है अब यहां पर क्वेश्चन में बचा परचेज वाला मुद्दा तो देखिए इसमें ये नहीं बताया गया कि परचेज कितनी करनी है तो हमारे पास क्वेश्चन ने बोला है कि ट्वेंटी परसेंट सेल का हमारा ग्रोस प्रॉफिट है तो इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इसमें कहीं नहीं है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का कोई लेना देना नहीं है तो वेजिटेंट सैलरी यहां पर तीन लाख रुपए की गई होंगी सीओजीएस में बताइए ट्वेंटी नाइन लैख की आपकी परचेज हो गई ओके तो ये हमारे पास आ गई परचेज तो परचेज के लिए हम क्या करेंगे सीओ जीटेड सैलरी हटा देंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होते तो वो भी हटा देते वो क्वेश्चन में दिए नहीं है अब कह रहे हैं क्रेडिट टर्म को हम फर्स्ट मंथ फॉलोइंग क्रेडिट परचेज देते हैं यानी इस महीने खरीदा तो उसकी पेमेंट अगले महीने करता है तो बताइए अक्टूबर में जो खरीदा उसकी पेमेंट कब होगी नवंबर में तो नवंबर में ट्वेंटी नाइन लैख रुपीज की पेमेंट आपको नजर आ जाएगी ऐसे ही नवंबर का देखते हैं फोर्टी फाइव लैख इसमें बीस परसेंट हटाया सीओजीएस आ गया तीन लाख रुपए की बेटी हटाई परचेज निकल जाएगी फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी परसेंट माइनस थ्री लैख थर्टी थ्री लैख हो गई नवंबर की परचेज उसकी पेमेंट कब होगी दिसंबर में यह दिसंबर में थर्टी थ्री आ गया कैश बजट बनकर तैयार एक क्वेश्चन है हमारे पास बीबीक्यू क्यू थर्टी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू जेटा लिमिटेड अ पब्लिशिंग कंपनी पब्लिशिंग कंपनी यानी बुक्स वगैरह बनाते होंगे सेल प्राइस ऑफ अ बुक इज रुपीज फिफ्टीन पंद्रह रुपए का सेल प्राइस है एंड सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट थ्रू अ बुक क्लब एंड इनवाइस ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ ठीक है जी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर बुक आर मेटेरियल पांच रुपए लेबर चार रुपए एंड ओवरहेड दो रुपए ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई सेल्स मैनेजर फोरकास्टेड द फॉलोइंग नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ऐसे आगे तक दे दिए इतनी इतनी हम लोगों को बनानी सेल चालीस परसेंट टू मंथ आफ्टर सेल सिक्सटी परसेंट तो जैसे इस महीने सेल हुई तो उसका चालीस परसेंट अगले महीने और उसका बचा हुआ साठ परसेंट उससे अगले महीने हमें मिल जाएगा ठीक है द कंपनी प्रोड्यूस द बुक्स टू मंथ बिफोर दे आर सोल्ड बुक्स दो महीने पहले बना दी जाती हैं तो इसका मतलब जो मार्च की बुक्स हैं जो मार्च में बिकनी है वो जनवरी में बना ली गई होंगी तो यहां पर हमें देखना है सबसे पहले वर्किंग नोट में ये सेल दे दी एक हजार एक हजार एक हजार इतना 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 अब प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो जनवरी का प्रोडक्शन यहां क्वांटिटी प्रोड्यूस लिखी हुई है, नवंबर में होगा फरवरी का दिसंबर में मार्च का जनवरी में अप्रैल का यहां पर तो सेल की टाइम अलग रहेगा और प्रोडक्शन का टाइम अलग रहेगा तो सबसे पहले सेल देखते हैं हमारे पास सेल है पंद्रह रुपए पर यूनिट तो पंद्रह हजार पंद्रह हजार पंद्रह हजार ये सारी अमाउंट निकल कर आ गई सेल की इसका फोर्टी परसेंट अगले महीने बचा हुआ सिक्सटी परसेंट उससे अगले महीने फोर्टी सिक्सटी फोर्टी सिक्सटी फोर्टी सिक्सटी इस तरह से बढ़ता चला जाएगा तो चलो जी सेल का बात समझ में आ गई कि सेल ऐसे ऐसे बटी हुई है अब प्रोडक्शन दो महीने पहले होगा ये लाइन भी आ गई है आगे बढ़ते हैं उनको दो महीने बाद पे करते हैं तो ठीक है और मेटेरियल की कॉस्ट कितनी है मेटेरियल की कॉस्ट है पांच रुपए पर यूनिट तो हमने सबसे पहले यहां पर क्वांटिटी प्रोड्यूस लिख ली कितनी कितनी बनाएंगे पांच रुपए पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो इसको ठीक है जी कर दिया अब इनकी जो पेमेंट होगी ये मेटेरियल परचेज आ गया हमारे पास इनकी जो पेमेंट होगी दो महीने बाद होगी तो पांच हजार रुपए की परचेज करी है उसकी पेमेंट यहां पर नहीं यहां पर होगी दो महीने बाद होगी तो दो दो महीने बाद इनकी पेमेंट होती जाएगी यहां 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 क्रेडिटर का, का काम खत्म हो गया तो इसमें सबके वर्किंग नोट बनेंगे ये अच्छा क्वेश्चन है इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं पे हो सकता कैश मैनेजमेंट में इसके बाद में कह कह रहे रहे हैं हैं कि जी क्रेडिटर हो गए वेरिएबल ओवरहेड आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग प्रोडक्शन कह रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड जब प्रोडक्शन होता है उससे अगले महीने पे हो जाते हैं ठीक है एंड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट इन अप्रैल अब जरा देखिए ओवरहेड है कितने दो रुपए रहे अप्रैल से 25 परसेंट बढ़ जाएंगे यानी मार्च तक दो रुपए रहेंगे ये, और अप्रैल से 25 परसेंट अप्रैल से ये खर्चा ढाई रुपए पर यूनिट हो जाएगा ठीक है तो हम सबसे पहले लिख लेंगे प्रोडक्शन वेरी वेलोवर हाँ जी प्रोडक्शन लिख लिया हमने अब देखिए मार्च तक दो रुपए के हिसाब से और उसके बाद में ढाई रुपए के हिसाब से चलेगा तो यहां पर हमारे पास नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मार्च तक आप देखेंगे दो रुपए आ रहा है यूनिट्स का 1900 का 3800 2000 का चार हजार रुपए ठीक है अब इसके बाद में यहां से ढाई रुपए का रेट चलेगा 2200 यूनिट है तो मल्टीप्लाई ढाई रुपए पचपन सौ रुपए का खर्चा होगा 2200 टू हंड्रेड इंटू ढाई रुपए पचपन सौ आ गया ठीक है क्वेश्चन ने कहा है कि वेरिएबल ओवरहेड कब पे होते हैं वेरिएबल ओवरहेड पे होते हैं इन द मंथ फॉलोइंग प्रोडक्शन जिस महीने प्रोडक्शन हुआ उससे अगले महीने तो ये हर एक महीने बाद पे हो जाएंगे ये यहां पर ये यहां पर ये यहां पर ये यहां पर ये यहां पर, पर ठीक है जी वेरिएबल भी आ गए अब लास्ट बचा है कह रहे हैं वेजिज का ऐसा चलेगा सेवेंटी फाइव परसेंट वेजिज पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन जितनी भी वेजिज है उसका पिछहत्तर परसेंट हिस्सा तो उसी महीने दे देंगे पच्चीस परसेंट अगले महीने देंगे ठीक है अब वेज इंक्रीज ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट विल टेक फ्रॉम फर्स्ट मार्च लो जी वेजेज कितनी है चार रुपए तो फेब तक तो ये चार रुपए पर यूनिट ही रहेगा मार्च से ये खर्चा 12.5 परसेंट 12 चार रुपए ट्वेल्व परसेंट साढ़े चार रुपए पर यूनिट हो जाएगा तो फेब तक का जो आप देखोगे उसमें क्या नजर आएगा फेब तक का आपको नजर आएगा चार रुपए ये फेब है यहां तक फैब के आगे से आपको रेट मिलेगा साढ़े चार रुपए का ठीक है तो पहले वेजिज निकाली हमने अब जैसे चार हजार की वेजिज है इसका सेवेंटी फाइव परसेंट यहाँ पर और बचा हुआ पच्चीस परसेंट अगले महीने पांच हजार है इसका सेवेंटी फाइव परसेंट यहाँ पर और बचा हुआ अगले महीने छह हजार का पचहत्तर परसेंट इसी महीने और बचा हुआ अगले महीने इस तरीके से वेजिज पे होगी बस सारी पेमेंट्स सा आ गई अब अपना कैश वैलेट बनाइए और काम खत्म हो जाएगा तो इसके अंदर वर्किंग नोट बहुत अच्छा है बढ़िया क्वेश्चन है एक बीबीक्यू क्यू थर्टी फाइव है यह आर टी में सात बार आ चुका है अलग अलग जगह पर और यह क्वेश्चन मुझे लगता है आईसीआई कभी पूछ सकता है क्योंकि आईसीआई की इस पर नजर रहती है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है यू आर गिवन बिलो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर टू इयर्स फॉर अ कंपनी दो साल के इन्होंने हमें पी एंड एल अकाउंट दिए हैं सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ट्वेल्व करोड़ इन ईयर थ्री थर्ड ईयर में ट्वेल्व करोड़ हमारी सेल हो जाएगी एज अ रिजल्ट अदर एक्सपेंसिविली बाई फिफ्टी लैक हमारे अदर एक्सपेंसिज पचास लाख रुपए बढ़ने वाले हैं बिसाइड अदर चार्जेज कोई बात नहीं ओनली रॉ मेटेरियल आर इन स्टॉक एज यूम सेल्स एंड परचेज आर इन कैश क्लोजिंग स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गो अपम अमाउंट एज बिटवीन ईयर वन एंड टू ईयर वन एंड टू में जितना आपने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया था उतना ही हम इस बार भी बढ़ाने वाले हैं

उसका 75 परसेंट हिस्सा वो लोन चुकाने में लगा देती है कंप्यूट हाउ मच कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी अवेलेबल इन ईयर थ्री फॉर दिस पर्पज तो लोन को चुकाने के लिए थर्ड ईयर में हमारे पास कितना पैसा होने वाला है आ जाइए अगला देखिए यहां पे हमें थर्ड ईयर का पी एंडल बनाना है तो थर्ड ईयर के पी एंडल में इन्होंने कहा कि आप सबसे पहले क्या काम करो सबसे पहले आप एक एक खर्चे को चेक करो तो इन्होंने ईयर टू के बेसिस पर ईयर थ्री का पीएंडल बनाया है तो ईयर टू के बेसिस पर हम ईयर थ्री का पी एंडल बनाएंगे ठीक है यहां पर मैं ले रहा हूं ईयर थ्री अब देखिए रॉ मेटेरियल देखते हैं एक लाख का ओपनिंग स्टॉक चार लाख का परचेज एक पचास का क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया ये हो गया चार साढ़े तीन करोड़ हो गया साढ़े तीन करोड़ का रो मेटेरियल दस करोड़ की सेल पर है मेटेरियल साढ़े तीन करोड़ का रॉ मटेरियल दस करोड़ की सेल पर है हमारी सेल है बारह करोड़ रुपए हमारी थर्ड ईयर की सेल बारह करोड़ रुपए तो कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा फोर पॉइंट टू करोड़ का मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा ठीक है जी इसके बाद में दूसरा खर्चा स्टोर इस... आपको एक चीज ये देखनी कि कोई खर्चा फिक्स तो नहीं है ये देखे स्टोर यहां एक करोड़ के थे यहां एक बीस के हो गए तो इसका मतलब स्टोर इस का खर्चा फिक्स नहीं है ठीक है कितना होगा तो एक करोड़ बीस लाख है, तो तो है दस करोड़ पर तो बारह करोड़ पर कितना होगा एक करोड़ चौवालीस लाख रुपए स्टोर एक करोड़ चौवालीस लाख रुपए ठीक है अगला खर्चा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस देख लीजिए बदल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी इसका मतलब नहीं है तो एक करोड़ साठ लाख का खर्चा दस करोड़ की सेल पर है तो बारह करोड़ की सेल पर कितना होगा तो बारह करोड़ की सेल पर हो जाएगा आपका एक करोड़ बयानवे लाख मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी आ गई एक करोड़ बयानवे लाख पॉइंट फोर फोर है ओके इसके बाद में अदर एक्सपेंसिज एक करोड़ थे यहां भी एक करोड़ थे तो फिक्स लग रहा है क्वेश्चन ने नीचे बोला है अदर एक्सपेंसिज पचास लाख रुपए से बढ़ने वाले हैं तो अभी एक करोड़ था आपका खर्चा अब एक करोड़ पचास लाख हो जाएगा अदर एक्सपेंसिज आ गए जी ठीक है इसके बाद में डेप्रीशिएशन है एक करोड़ एक करोड़ डेप्रीशिएशन तो फिक्स रहेगा डेप आ गया जी एक करोड़ रुपए अब बाई साइड में चलते हैं सेल आ गई बारह करोड़ में लेने वाले हम सेल क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने मेटेरियल कंज्यूमड लिया है अगर मेटेरियल कंज्यूम नहीं लेते तो हम ले लेते ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल फिर यहाँ पे लिखी हुई है मिसलेनियस इनकम लाख लाख इसका मतलब हमारी कहीं से दस लाख की मिसलेनियस इनकम हर साल आ रही है तो ईयर थ्री में अब हमारे पास ये होगी टू साइड यानी खर्चों वाली अब बाई साइड बाई साइड में सेल्स ट्वेल्व करोड़ आ गई और मिसलेनियस इनकम हमारी दस लाख रुपए आ गई ठीक है ना दस लाख ठीक है बस आप सबसे पहले निकाल लीजिए आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है तो प्रॉफिट आ गया बारह करोड़ दस लाख बारह करोड़ दस लाख माइनस फोर पॉइंट टू सी आर वन पॉइंट फोर फोर सी आर वन पॉइंट नाइन टू सी आर वन पॉइंट फाइव सी आर माइनस वन सी आर टू करोड़ फोर लैख का मेरा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है चेक कर लेता हूँ ठीक है या नहीं 2 करोड़ 4 लाख का मेरा प्रॉफिट आ गया ठीक है अब ये प्रॉफिट निकल कर आया है आपका अब आपको निकालना है कि आपके पास कैश कितना जनरेट हुआ होगा तो कैश कितना जनरेट हुआ होगा 2 करोड़ 4 लाख का प्रॉफिट है इसके अंदर एक आइटम है डेप्रिसिएशन जो माइनस हुआ था जो नॉन कैश आइटम है तो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन तक ठीक है इसके बाद में एक है आपका

तो रॉ मेटेरियल का स्टॉक पचास लाख रुपए आपने इंक्रीज किया है उससे आपके पास कम हो जाएगा बस इतने ही आइटम है छोटा सा एक टच है ये आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तो टू करोड़ फोर लैख प्लस वन करोड़ माइनस पॉइंट फाइव टू करोड़ फिफ्टी फोर लैख आपके पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा इसका सेवेंटी फाइव परसेंट हिस्सा हमारे पास अवेलेबल है लोन को पे करने के लिए तो हम वन करोड़ नाइनटी लैख फिफ्टी थाउजेंड का लोन रीपे कर सकते हैं इस बार तो लोन रीपेमेंट वन करोड़ नाइन लैख फिफ्टी थाउजेंड आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन खत्म अब इसके बाद हमारे पास कैश मैनेजमेंट में दो तो छोटे छोटे से मॉडल चलते हैं एक तो है विलियम जे बाउमल मॉडल विलियम जे बाउमल मॉडल ईओ मॉडल है तो ईओ का यहां पर जरा सा टच दिया हुआ है कैश की फॉर्म में ईओ में क्या होता था एक ऑर्डरिंग कॉस्ट होती थी और एक कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट थी आपके पास स्टॉक को रखने का और ऑर्डरिंग कॉस्ट थी एक बार सामान मंगवाने का तो दोनों के बीच में ऐसा चलता था कि ऑर्डर साइज अगर बड़ा है तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी ऑर्डर साइज अगर छोटे हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उन दोनों को बैलेंस करना होता था सेम टू सेम यहां पर है ईओक्यू का फॉर्मूला होता था हमारे पास अंडर रूट टू डिवाइड बाई सी ए का मतलब होता था एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल यहां पर रॉ मेटेरियल की जगह कैश को ले लिया है यहां पर फॉर्मूला बनाया है इन्होंने अंडर रूट टू यू पी एस तो यहां पर यू का मतलब है एनुअल कैश रिक्वायरमेंट वहां पर होता था एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल तो एनुअल कैश रिक्वायरमेंट आ गया ओ का मतलब होता था वहां पर ओल्डिंग कॉस्ट यहां पर है ट्रांजेक्शन कॉस्ट कि एक बार ट्रांजेक्शन का कितना खर्चा आएगा तो वहां पर क्या होता था सामान मंगवाया जाता था यहां कैश मंगवाया जाएगा तो आप जब कैश बैंक से निकालते हो तो उस पर कुछ ट्रांजेक्शन चार्ज लग जाते हैं तो रॉ मेटेरियल को मंगवाने में ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती थी कि ट्रक आएगा यहाँ पे उसको रिप्लेस करके हो गया ट्रांजेक्शन चार्ज के बैंक से पैसा निकालोगे कैश विड्रॉ करोगे तो ट्रांजेक्शन चार्ज लगेंगे या मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेच के पैसा निकाल रहे हो आप मान लो आप मार्केटेबल सिक्योरिटी बेच के पैसा निकाल रहे हो तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेचने में आपके ट्रांजेक्शन चार्ज लग जाते हैं तो ट्रांजेक्शन चार्ज आ गए यहाँ पर पर ट्रांजेक्शन वहां पर था ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यहां पर ट्रांजेक्शन ठीक है जी वहां पर था सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन एम यहां पर है रुपी. यहां यूनिट क्या बनेगा यूनिट बनेगा रुपी पर एनम तो बेसिकली आप इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं जैसे इंटरेस्ट रेट बारह परसेंट है इंटरेस्ट रेट बारह परसेंट है तो बारह पैसे आपकी कैरिंग कॉस्ट यहां पर लग गई तो ई क्यू मॉडल्स को इन्होंने चुराकर उसको बेस बनाकर यहां पर निकाला कि एक बार में हमें बैंक से कितना कैश विदड्रॉ करना चाहिए या कितनी मार्केटेबल सिक्योरिटी एक बार में बेच देनी चाहिए तो ऑप्टिमम कैश ट्रांजेक्शन विलियम जे बाउमल मॉडल ने बताया कि ऑप्टिमम कैश ट्रांजेक्शन कितनी होगी यानी कि एक बार में कितना कैश आपको कन्वर्ट करना चाहिए या तो बैंक से निकालकर कैश लेकर आना या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेचकर एक बार में आपको कितना कैश मंगवाना चाहिए अंडर रूट टू यू पी एस तो इसके ऊपर पांच नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो अगर इसके इस मामले में क्वेश्चन आया तो ये फ्री के नंबर होंगे आपके लिए पढ़ते हैं क्वेश्चन के लिमिटेड हैज क्वार्टरली कैश फ्लो नाइन लैख क्वार्टरली नाइन लैक है तो पूरे साल का कितना हो जाएगा एक साल में चार क्वार्टर छत्तीस लाख रुपए हमारे पास हो गए यू एनुअल कैश रिक्वायरमेंट एराइजिंग यूनिफॉर्म डी ड्यूरिंग द्वार्टर दिन पोर्टफोलियो ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज इट प्लेट द डिमांड पीरियोडिकलीजारिक्योरिटीज को बेच के उनसे कैश कन्वर्ट करेंगे मार्केटिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर जनरेटिंग इनकी जो कैरिंग कॉस्ट पर एन एम पर रुपी है वो बारह पैसे हो गई एक रुपए पे बारह पैसे का आपका नुकसान होगा तो मार्केटेबल सिक्योरिटी से निकालकर अगर कैश आप अपने पास रखते हो तो सिक्योरिटी तो बारह परसेंट रिटर्न दे रही है पर आपके पास तो कैश ऐसे ही रखा हुआ है तो बारह पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास एक रुपए पे लगेगी ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग इन्वेस्टमेंट टू कैश सिक्सटी रुपीज यह आपके पास हो गया पी ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर यूनिट तो एक बार ट्रांजेक्शन करोगे तो साठ रुपए आपके खर्च हो जाएंगे तो यू आ गया पी आ गया एस हो गया कह रहे हैं बाउमल मॉडल लगाइए ऑप्टिमल ट्रांजेक्शन साइट फॉर कन्वर्टिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन टू कैश थ्री सिक्सटी डेज मान के क्वेश्चन करना है सबसे पहले हम निकालेंगे ऑप्टिमम ट्रांजेक्शन साइज तो ऑप्टिम ट्रांजेक्शन साइज यानी एक बार में कितने पैसे निकालने चाहिए अंडर रूट टू यूपीएस टू यू आ गया आपके पास छत्तीस लाख रुपए पी आ गया आपके पास साठ रुपए एस आ गया आपके पास बारह पैसे थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई सिक्स रूट तो एक बार में आपको साठ हजार रुपए का कैश विद्रॉ करना चाहिए पॉइंट नंबर अब देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं सबसे पहले कह रहे हैं कंपनी का एवरेज कैश बैलेंस कितना है एवरेज कैश बैलेंस तो एवरेज कैश बैलेंस कैसे निकलता है एक बार में बताओ कितना कैश निकालोगे एक बार में निकालोगे साठ हजार फिर धीरे 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 वो कितना हो जाएगा एक दिन जीरो मैक्सिमम तो कितना होगा आपके पास कैश मैक्सिमम साठ हजार मिनिमम कैश कितना होगा डिवाइड तो एवरेज कैश आपके पास तीस हजार आ जाएगा तो एवरेज कैश हो गया थर्टी थाउजेंड तो हम सीधे एवरेज कैश क्या लिख सकते हैं हमें बताए मिनिमम तो जीरो होगा तो एवरेज कैश हम सीधे लिख सकते हैं साठ का एवरेज कर लो तीस क्योंकि साठ हजार के पे एड क्यों ने मैक्सिमम साठ हजार निकालोगे एक बार में वो कम होते होते एक दिन जीरो हो जाएगा तो मिनिमम जीरो मैक्सिमम साठ मिनिमम जीरो डिवाइड आ गया तो सीधे साठ हजार का कर लो तीस हजार ही आना है वरना सिक्सटी थाउजेंड प्लस जीरो डिवाइड बाई टू भी कर सकते हैं सेकेंड नंबर ऑफ कन्वर्जन ईच ईयर पूरे साल में कितने कन्वर्जन करने पड़ेंगे तो भैया पूरे साल में पैसा कितना चाहिए थर्टी सिक्स लेख एक बार में कितना कैश निकालते हो उस साठ हजार 36 लाख डिवाइड बाय 60000 एक साल में 60 बार पेशार निकालना पड़ेगा तो आपको एक साल में 60 कन्वर्जन करने पड़ेंगे 36 लाख पूरे साल में चाहिए 60000 एक बार में आप कन्वर्ट कर रहे हो लास्ट में कह रहे हैं टाइम इंटरवल बिटवीन टू कन्वर्जन दो कन्वर्जन के बीच में कितना टाइम लगेगा ठीक है तो एक साल में कितने दिन हैं 360 दिन 360 दिन में कितनी बार कैश कन्वर्ट कर रहे हो 60 बार टाइम्स तो बताओ एक कन्वर्जन कितने दिन में करते हो आप यानी हर छह दिन में हम एक बार पैसा कन्वर्ट करते होंगे तो ये हमारे पास है बाउमल मॉडल का क्वेश्चन इससे ऊपर क्वेश्चन ही आ सकता तो अभी यहां तक का देखते हैं एक तो हमारे पास सिंपल कैश बजट हो गया दूसरा विलियम जे बाउमल विलियम जे बाउमल मॉडल हो गया आपके पास योक्यू मॉडल एक मॉडल है हमारे पास मिलर एंड ओर मॉडल मिलर एंड ओर मॉडल बड़ा फेमस मॉडल है थ्योरी में पूछा जा सकता है चार नंबर में दो नंबर में ऐसा आ सकता है तो मिलर एंड और मॉडल क्या कहता है? तब होता है जब आपको ये ना पता हो कि कैश कितना आता जाता रहता है और वेरिएबल नेचर का हो यानी हमें ये नहीं पता कि हमारे पास कब कैश आएगा कब जाएगा कभी एकदम से ज्यादा कैश आ जाता है कभी कम आ जाता है तो ये बोले हम आपको ना लिमिट्स बताते हैं कुछ ये बोले हमारे पास लिमिट आप लोगे सबसे पहले लिमिट है एच एच का मतलब है हाईएस्ट यानी मैक्सिमम कैश बैलेंस कितना आपके पास हो सकता है इसके बाद में दूसरी लिमिट है जीरो जीरो का मतलब है लोअर कैश बैलेंस आपके पास कितना हो सकता है और तीसरी लिमिट है जेड जेड का मतलब है रिटर्न पॉइंट कि अगर कैश कम या ज्यादा हो जाए तो आपको वापस कहां तक आना होगा मॉडल देख के आपको समझ में आ जाएगा ये एच जीरो और जेड ये ऐसे मॉडल आपको दिखेगा जैसे नीचे हो गया एक महीने की हम कहानी लेकर चल रहे हैं है जीरो तो जैसे हमें कम से कम से रुपए रखना है तो यहां जीरो लिमिट का मतलब है दस जीरो लिमिट का मतलब दस हजार तो मिनिमम कैश बैलेंस लोअर लिमिट है इसको जीरो बोला गया है एच हो गया हायर कैश के मैक्सिमम कैश लिमिट आपकी कितनी है और एक बीच में बन जाएगा रिटर्न पॉइंट जेड

फिर पैसा आ गया फिर चला गया फिर आ गया फिर चला गया फिर आ गया फिर चला गया फिर, चला गया, फिर आ गया जैसे ही हायर कैश बैलेंस को टच करेगा तो आपका रेड अलर्ट हो गया पो पौ 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 दस लाख को छू गया ये जैसे ही दस लाख को इसने छू दिया इसका मतलब आपके पास फालतू कैश हो गया है आपको अभी के अभी इस कैश को कहीं पे खपाना होगा कैश को कैसे कहीं पे खपाओगे कहीं पे खर्च करोगे तो आप क्या करो मार्केटेबल सिक्योरिटीज को परचेज कर लो मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज कर लो कितनी परचेज करूं जी इतनी परचेज करो कि गिर के वापस कैश बैलेंस चार लाख पर आ जाए तो वापस गिर के चार लाख पर आना है फिर कोई बात नहीं फिर पैसा आया गया पैसा आया गया 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 आया आया गया गया आया आया गया गया आया गया आया गया पौ 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 फिर से टच हो गया भैया फिर से टच हो गया तो फिर से परचेज कर लो और गिर के यहां पर आ जाएगा कैश आया गया आया गया आया गया 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 पौ पों फिर नीचे वाली नीचे वाली लिमिटेट पैसा कम हो रहा है कैश अरेंज करना है कहीं से तो अरेंज कैसे करेंगे कैश कैश अरेंज करने का तरीका है मार्केटेबल सिक्योरिटीज को सेल कर दो बेच दो कितनी बेचें इतनी बेचो के वापस रिटर्न पॉइंट यानी चार लाख पर आ जाओ तो यानी कि अगर आप जेड और एच के बीच में घूम रहे हैं या जेड और जीरो के बीच में घूम रहे हैं यहां घूम रहे हैं यहां घूम रहे, रहे हैं यहां तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जैसे ही आपने अपर लिमिट या लोअर लिमिट को टच किया तो आपको धड़ाम से गिर के जेट पर और नीचे टच किया है तो ऊपर उठ के जेट पे जाना है इस तरीके से कैश बैलेंस आपका चलता रहेगा ये है मिलर और कैश मॉडल नाइनटीन Six. ये कैश मैनेजमेंट चैप्टर खत्म चैट हम ऑन कर रहे हैं किसी को कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो बताइए वरना फिर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद में करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर आज खत्म होने वाला है आपका पूरा रिवीजन डन होने वाला है आपका जी लाइकिंग रेशो बहुत कम है भाई वीडियो का बहुत कम बच्चे लाइक कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हां जी बच्चे ने लिखा है यस सर हम आपको पसंद नहीं करते मैंने कहा कि आप मुझे पसंद नहीं करते तो बच्चे ने तुरंत लिखता है बीटीएस आर्मी यस हम आपको पसंद नहीं करते हाँ जी तो मुझे लगता है कि काम हो गया आपका ये बिल्कुल क्लियर है कैसे चल रहा है पूरा का पूरा अब हम लेते हैं पंद्रह मिनट का ब्रेक और फिर स्टार्ट करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर एंड पर पहुंच गए हम इस चैप्टर के अभी टाइम क्या हो रहा है ग्यारह छियालीस पंद्रह मिनट का ब्रेक बच्चा कह रहा है सर कंप्लीशन के लिए बोला था कंप्लीट हो गया है आपके लिए नहीं बोलता बेटे वो तो मुझे पता है मैं तो मजाक कर रहा हूं ऐसे आप तो सीरियस हो जाते हो आप लोग को लगता है कि मुझे कभी ऐसा लगता होगा कि आप लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं बिल्कुल मुझे पता है आप भर भर के प्यार करते हैं वाइब्रेशन थ्योरी है मैं भी करता हूं तो आप भी करते ही होंगे मैं नहीं करता तो फिर आप भी नहीं करते हाँ जी ट्वेल्व टू पर स्टार्ट करते हैं बच्चा कह रहे सर बारह पांच तक का ब्रेक दे दो तो ले बेटे आज तेरी बात मान ली कैपिटल स्ट्रक्चर तीस से पैंतीस चालीस मिनट का मैक्सिमम पूरा चैप्टर और पूरी एफएम खत्म होने वाली है आज हमें ओके जी No, 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 no.

हाँ जी सर अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले देखा नहीं है सिर्फ आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा क्या बेटा देखो बूस्टर ना एक रिवीजन सेशन है अब वो रिविज़न से ही समझ में आ जाए तो इससे बढ़िया तो क्या बात है बच्चे तो कहते हैं समझ में आ जाता है पहले करा हो तो बेहतर है नहीं करा हो तो देख लो फिर इसमें और क्या ऑप्शन दिया जा सकता है अभी ना कह रहे हैं कल से तो फिर कॉस्ट का एक दिन डिले होगा हाँ एक दिन आगे बढ़ गया कॉस्ट का कल से स्टार्ट होगा कॉस्टिंग का थ्योरी बूस्टर खत्म होती है एक एक बैच आए एक एक लेक्चर आएगा थ्योरी का थ्योरी कॉस्टिंग में और एफएम में दोनों जगह पर बिल्कुल सिंपल सिंपल सी सिलेक्टेड थ्योरी है उसके साथ में एम भी स्टडी मैट के सारे करवा देंगे आप और इसके अलावा सर कॉस्टिंग में बजट छोड़ सकते हैं क्या छोड़ने को तो सब कुछ छोड़ सकते हैं आगे गया तो उसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे हिसाब से तो कुछ भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए कॉस्टिंग की लाइव होगी या फिर कैसे होगा कॉस्टिंग का देख लेंगे कैसे करना है कोई दिक्कत नहीं है आने वाले टाइम पे उसको वो करेंगे हम बारह पांच <coughs> हाँ जी बारह पांच आ गए तो हम लोग चालू करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है बहुत ही आसान एकदम सेलेक्टेड एरिया यहां से आता है कैपिटल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा तो आपको मैंने करवा दिया है ईबीआईटी बी एनालिसिस वाला उसके अलावा जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो पोर्शन यहां पर हम लोग कवर करने वाले हैं स्टार्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को और एफएम को पूरी तरीके से करते हैं समाप्त देखिएगा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें थ्योरी दी गई है कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ऐसे होता है कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर इक्व टू इक्विटी फंड से कितना आया प्लस प्रिफ्रेंस शेयर से कितना आया प्लस डेट से कितना आया तो जितनी भी थ्योरी है उसमें प्रीफ्रेंस शेयर को अवॉइड कर दिया गया है यानी सारी की सारी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में सिर्फ इक्विटी और डेट के बारे में बात की गई है तो इस चैप्टर के अंदर पूरी थ्योरी इक्विटी और डेट पर रहेगी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में सबसे पहले कुछ हैं रेलिवेंट रेलिवेंट थ्योरी कहती है कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करेंगे यानी इक्विटी और डेट के प्रपोर्शन में बदलाव करेंगे तो कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है उस पर फर्क पड़ेगा कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क पड़ेगा तो नेट इनकम अप्रोच एनआई और ट्रेडिशनल कहते हैं कि फर्क पड़ेगा फिर आती है इनरेलीवेंस थ्योरी इनरेलीवेंस थ्योरी कहती है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में बदलाव करने से डेट को लेने ना लेने से इक्विटी को लेने ना लेने से कंपनी के मार्केट वैल्यू पर और उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एनओ और एम एम अप्रोच इसको सपोर्ट करते हैं और फिर कुछ अदर थ्योरी हैं जो थेरेटिकल हैं ट्रेड ऑफ थ्योरी और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी तो अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो सिर्फ हमारे पास तीन थ्योरी हैं एन अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच और एन एनओ आई और अप्रोच का न्यूमेरिकल सोल्यूशन एक ही तरीके से सबसे पहले हम देखेंगे NI approach, net income approach. Net income approach कहती है कि capital structure decisions relevant है, कि यानी आप अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हो तो मार्केट वैल्यू फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फर्क पड़ेगा ठीक है इनका कहना है कि डेट जो होता है वो सस्ता होता है डेट सस्ता है और इक्विटी महंगा है ओके okay. कह रहे हैं डेट का जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे हायर यूसेज हायर प्रपोर्शन ऑफ डेट आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतनी ही कम हो जाएगी और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आपकी उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी तो इनकी एजम्शन क्या रहेंगी एजम्शन है कि केटी और के ई कॉन्स्टेंट रहेंगे ये बदलेंगे नहीं तो जैसे केटी मान लो दस परसेंट है के बीस परसेंट है तो ये दस और बीस ही रहेंगे इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा के ओ चेंज हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी जितना आप डेट यूज करोगे उसका रीजन के टी है सस्ता अब सोचो के टी है दस परसेंट के रेट से और केई है बीस परसेंट के रेट से ठीक है जी अब मान लो के टी का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे आप और सारा पैसा इक्विटी से आ रहा है तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई बीस परसेंट अब मान लो आप के डी का फिफ्टी परसेंट इस्तेमाल कर रहे हो आधा पैसा के डी से और आधा पैसा के ई से तो ऐसी सिचुएशन में आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पंद्रह परसेंट रह जाएगी तो यहाँ पर इन्होंने माना कि के डी और के ई कॉन्स्टेंट है जितना डेट का इस्तेमाल बढ़ाते जाओगे उतना आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी इन्होंने ये इस चीज़ से दिखाया कि के ई कॉन्स्टेंट है मान लेते हैं बीस परसेंट और जो के डी है वो दस परसेंट है वो सस्ता सोर्स है ये दोनों कॉन्स्टेंट रहेंगे जैसे जैसे डेट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका के कम होता चला जाएगा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फॉर्मूले देखें तो फॉर्मूले बड़े सिंपल हैं। फॉर्मूला है अगर आपको शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकालनी है एस तो शेयर की इनकम क्या होती है ईबीआईटी माइनस आई वन माइनस टैक्स या गया अर्निंग आफ्टर टैक्स इसको आप डिवाइड कर दीजिए के से तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी ठीक है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट पार वैल्यू मानी जाएगी जितने के डेट है वो उतने के ही माने जाएंगे हमेशा और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म के लिए कहा कि पूरी फर्म की कमाई टी वन माइनस टैक्स आफ्टर टैक्स लेना है डिवाइडेड बाई के ओ तो पूरी की पूरी फर्म की कमाई डिवाइड बाई के ओ करेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा पूरी शेयर की कमाई माइन डिवाइड बाई के करेंगे तो शेयर की वैल्यू आ जाएगी इन्होंने कहा कि मार्केट वैल्यू फर्म का एक और फॉर्मूला है कि को 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 जोड़ जोड़ दो दोगे शेयर और और डेट तो वैल्यू ऑफ फर्म निकल आएगी इसी से हमारे पास शेयर्स का एक फॉर्मूला बनता है कि फर्म की वैल्यू में से डेट को हटा दो तो शेयर्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी तो हमारे पास बस यही फॉर्मूला हैं और कुछ नहीं तो सिंपल सा है शेयर की वैल्यू निकालनी है तो शेयर की इनकम निकालो ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट उसको आफ्टर टैक्स करो डिवाइड बाई के कर दो शेयर की वैल्यू आ जाएगी फर्म की वैल्यू निकालनी है तो पूरी फर्म की कमाई ईबीआईटी उसे आफ्टर टैक्स बनाओ वन माइनस टैक्स डिवाइड बाई के कर दो तो फर्म की वैल्यू निकल आएगी ठीक है इसी से के ई और के ओ के भी फॉर्मूले बनते हैं बताइए अगर के ई का फॉर्मूला बनाना है तो एस को नीचे ले जाओ शेयर्स की कमाई डिवाइड बाई शेयर्स की वैल्यू इक्व टू के ओ निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है कि पूरी फर्म की कमाई आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई वैल्यू फर्म कर दो तो के ओ आपके पास निकल आएगा इसका क्वेश्चन आपको कैसा नजर आएगा जैसे दो फर्म दे दी एक और बात बता देता हूं एक होती है लीवर्ड फर्म लिवर्ड फर्म का मतलब है कि इसमें डेट है ये लोन को इस्तेमाल कर रहे हैं एक होती है अनलिवर्ड फर्म तो अनलिवर्ड फर्म का कहना होता है कि हम सिर्फ इक्विटी इस्तेमाल करते हैं इसको हंड्रेड परसेंट इक्विटी या ऑल इक्विटी फर्म भी बोलते हैं अगर किसी कंपनी में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है तो उसका के, के, के डीडब्लू डी जब आप करोगे तो के डीडब्ल्यूडी तो है ही नहीं सारा का सारा पैसा इक्विटी से ही आया है मान लो इक्विटी बीस परसेंट तो हमारा जो केओ है वो भी बीस परसेंट ही हो जाएगा तो के और के ओ एक बराबर होते हैं जिस फर्म में सिर्फ पूरा का पूरा पैसा इक्विटी से आया हो अब इसके अंदर आपके पास जो हमारे पास एग्जाम्पल चलेगा आपको ठीक दिख रहा है ये?

लीवर्ड कंपनी में पंद्रह लाख रुपए के टैक्स का रेट है हमारे पास फोर्टी परसेंट और जो हमारे पास केई है केई इन्होंने हमें बोल दिया कि के हमारा केई है ट्वेल्व परसेंट

थ्री पॉइंट फोर लैख का टैक्स यहाँ चला गया अब आ गई अर्निंग आफ्टर टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स यहाँ सिक्स लैख और यहां पर हो गई फाइव पॉइंट वन लैख तो अब ये क्या कहता है अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया यानी अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इसको केई से अगर डिवाइड करोगे तो केई है बारह परसेंट तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ शेयर निकल आएगी सिक्स लैख डिवाइड बाई ट्वेल्व परसेंट पचास लाख रुपए हो गई शेयर की वैल्यू अब ये जो एनआई अप्रोच है यह कहती है कि हमारा केई कांस्टेंट रहता है यानी ये यहां भी 12 ही रहेगा तो यहां पर फाइव पॉइंट परसेंट यहां के शेयर हो गए बयालीस लाख पचास हजार के अब अगर हम डेट देखते हैं यहां कोई डेट नहीं है यहां पंद्रह लाख ,00 का डेट है फर्म की वैल्यू एस प्लस डी यहां फर्म की वैल्यू आ गई पचास लाख और यहां फर्म की वैल्यू आ गई फिफ्टी सेवन लैखी था जिस फर्म ने लोन यूज किया उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो यहाँ पर 50 और आ गया अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना हो तो पूरी कंपनी की आफ्टर टैक्स कमाई डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म रख लीजिए तो इसकी आफ्टर टैक्स कमाई दस लाख फर्म माइनस टैक्स डिवाइड बाई पचास लाख फर्म की वैल्यू इसकी कमाई भी पूरी कंपनी की दस लाख है डिवाइडेड बाई फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव लैख ये आ गया आपका ट्वेल्व परसेंट और यह आपका आ गया सिक्स लैख डिट्टी सेवन पॉइंट फाइव लैख टेन पॉइंट फोर थ्री परसेंट तो इसकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ गई है और इसका के ओ कम हो गया है तो यह हमारे पास रहता है एनआई अप्रोच बिल्कुल सिंपल है वैल्यू ऑफ एस कैसे निकालेंगे ध्यान रखिए

कि भाई के का एक फॉर्मूला और है कि पूरी कंपनी की कमाई को आफ्टर टैक्स लीजिए और वैल्यू फर्म से डिवाइड कर दीजिए ठीक है अब इसमें आप एक चीज चेक कर सकते हैं कि जो अनलिवर्ड फर्म थी उसका के भी ट्वेल्व परसेंट था और उसका के भी ट्वेल्व परसेंट है क्योंकि डेट इसके अंदर होता ही नहीं तो जितना के ही है उतना ही के आ जाता है ये है एन अप्रोच बस इतना ही है इसमें और कुछ नहीं है इसके बाद में हमारे पास आती है दूसरी ये आगे फॉर्मूले एस डी वी के इसके बाद में हमारे पास आती है एनओ आई अप्रोच एन ओ आई अप्रोच कहती है कि कैपिटल डिसीजन इनरेलीवेंट होते हैं कोई लेना देना नहीं है इनसे यानी कि आप डेट का इस्तेमाल करो या ना करो इससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर या फिर वैल्यू ऑफ फंड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनका मानना यह है कि हमारी जो के डी है वो फिक्स है और जो हमारी के ओ है वो भी फिक्स है के ओ क्यों फिक्स है जैसे जैसे आप डेट का इस्तेमाल करोगे डेट का इस्तेमाल करने से आपको बेनिफिट मिलेगा बेनिफिट क्या मिलेगा वो चीपर सोर्स है डेट चीपर सोर्स होता है तो सस्ता होने की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगी आपकी केव कम होगी बोले लेकिन जैसे ही आप डेट का इस्तेमाल करोगे पैरल लेवल पर जो के है वो बढ़ जाएगा केई क्यों बढ़ रहा है जब आप डेट का इस्तेमाल करते हो तो फाइनेंशियल लीवरेज आ जाती है कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल लीवरेज यानी कंपनी के ऊपर रिस्क आ गया तो रिस्क जब शेयर होल्डर के ऊपर आता है तो CAPM मॉडल कहता है कि हमारे पास के इक्व टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा फैक्टर आर एम माइनस आर तो ये बोले कि जब कंपनी के ऊपर रिस्क आता है तो उसका बीटा फैक्टर बढ़ जाता है जैसे जैसे बीटा फैक्टर बढ़ता रहेगा वैसे ही के ई भी आपका इंक्रीज होता रहेगा तो एनओ आई अप्रोच का मानना है कि डेट से होने वाला बेनिफिट लॉस होगा इक्विटी की वजह से क्योंकि इक्विटी रिस्क की वजह से एक्सपेंसिव हो जाएगा और आपका केओ बढ़ जाएगा दोनों पैरल इतने रहेंगे कि आपका के ओ कॉन्स्टेंट बना रहेगा तो यानी डेट के आने से जो फायदा होगा वो के ई के महंगा होने की वजह से खत्म हो जाएगा दिस इज कॉल्ड एन ओ आई एप्रोच तो ये कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इनरेलीवेंट है किस लिए केडी के ओ मार्केट वैल्यू फर्म कॉन्स्टेंट रहेगी डी कॉन्स्टेंट रहेगा इन केस ऑफ विदाउट टैक्सेशन दिस हाँ तो के डी के ओ मार्केट वैल्यू फर्म कॉन्स्टेंट रहेगी किस वजह से कॉन्स्टेंट रहेगी कॉन्स्टेंट रहने का रीजन है कि के डी के आने से रिस्क है रिस्क की वजह से के ई इंक्रीज हो जाएगा और इनका मानना यह है कि एक्यूरेट इतना इंक्रीज होगा कि केओ को जो फायदा मिला है जितना के ओ सस्ता हुआ था उतना ही दोबारा से महंगा हो जाएगा और केओ आपका कॉन्स्टेंट बना रहेगा तो ये जो अप्रोच लिखी गई थी ये अप्रोच लिखी गई थी विदाउट टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर विदाउट टैक्स स्ट्रक्चर में इसको लिखा गया था अब जरा विदाउट टैक्स में जब इसको लिखा गया तो इसके फॉर्मूले बनाए गए मैं आपको बता रहा हूं यहां पर विदाउट टैक्स पहले एनओ तो एनओ आई अप्रोच कहती है अगर टैक्स ना हो तो कि सबसे पहले स्टेप क्या लो स्टेप वन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म पहले अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू निकाल दो अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू कैसे आएगी वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड इक्वस टू फर्म की कमाई टैक्स तो है नहीं डिवाइडेड बाई फर्म का के ये फर्म की वैल्यू निकल कर आ जाएगी ठीक है स्टेप टू वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इक्वस टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म होगी बोले अब लीवर्ड फर्म की और अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू एक बराबर होगी क्योंकि एनओ अप्रोच कहता है कि दोनों आप डेट इस्तेमाल करो या ना करो आप अनलीवर्ड हो या वैल्यू हमेशा सेम रहेगी जो लीवर्ड का के है वही अनलीवर्ड का के रहेगा लेकिन ये सब कुछ काम करेगा जब टैक्स ना हो विदाउट टैक्स तो एनओ अप्रोच लिखा गया विदाउट टैक्स इसने कहा कि सबसे पहले क्या करो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकाल लो जितनी अनलीवर्ड की वैल्यू है उतनी ही लीवर्ड की हो जाएगी आईसीआई ये पूछता ही नहीं है आईसीआई ने कहा कि हम पूछेंगे विद टैक्स अब विद टैक्स सिनेरियो बदल गया विद टैक्स सिनेरियो कैसे बदल गया हमारे पास स्टेप वन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म अब आ गया टैक्स टी निकाल ली ठीक है ये आ ये हो गया। अब के अंदर क्या हुआ जैसे ही वैल्यू ऑफ लीवर्ड निकालने गए इक्व टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड लीवर्ड और अनलीवर्ड एक बराबर होती हैं एनवाई अप्रोच के हिसाब से तो इसके अंदर क्या हुआ कि लीवर्ड और अनलीवर्ड जब बराबर हुई टैक्स के होने की वजह से एक फायदा मिल गया कि जो डेट है उसके इंटरेस्ट पर आपको टैक्स सेविंग मिलेगी तो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग मिलेगी कब तक मिलेगी लाइफ टाइम मिलेगी तो इसका जो लाइफ टाइम का बेनिफिट है वो और आपको मिलने वाला है तो पूरी जिंदगी जो इंटरेस्ट आप दोगे वो इनकम टैक्स में खर्चे की तरह से क्लेम होगा उस खर्चे पे टैक्स सेविंग होगी तो टैक्स सेविंग होने की वजह से इंटरेस्ट पर लाइफ टाइम आपको ये बेनिफिट मिलेगा तो इसकी तो इसकी इसकी प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू भी पर ऐड होगी निकालने का तरीका है डेट की पूरी अमाउंट मल्टीप्लाई बाई टी बच्चों के दिमाग में कई बार ये भी आता है कि पूरा डेट क्यों ले रहे हैं इंटरेस्ट लेना चाहिए तो इंटरेस्ट एक साल की इनकम है एक साल का बेनिफिट है हमें पूरी लाइफ टाइम का बेनिफिट चाहिए तो पूरा डेट उठा लो तो यहां पर इसकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म टू इक्विवर्ड फर्म प्लस डी इंटू टी इसी के ऊपर पूरा एनओआई खत्म है बस इतना जब तो हम जाएंगे तो आपके पास स्टेप रहेंगे एनओ में सबसे पहला स्टेप अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकाल लीजिए वैल्यू निकाल लीजिए अनलीवर्ड की वैल्यू प्लस डी इंटू क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा नजर आता है ओके okay. अब यहां पर जो NOI अप्रोच है और MM अप्रोच है उनके न्यूमेरिकल बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों का सॉल्यूशन एक ही है दोनों में यही करना है अनलीवर्ड की वैल्यू निकालिए और फिर लीवर्ड की वैल्यू निकालिए तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आर सेम अंडर NOI एंड MM अप्रोच दोनों में सॉल्यूशन बिल्कुल एक जैसे होंगे तो सर एम एम अप्रोच ने किया क्या ये थ्योरी में आ सकता है एम एम अप्रोच ने कहा कि जो एनओ आई अप्रोच कहती है वो बिल्कुल सही है बस ये हमारी कुछ एजम्शन हैं उन्हें मान ले तो इन्होंने कहा कि जो एनओ आई अप्रोच है वो बिल्कुल ठीक है एमएम MM बोले एनओ आई अप्रोच एकदम परफेक्ट है बस कुछ एडिशनल एजम्शन माननी पड़ेंगी क्या क्या एडिशनल एजम्शन दी इन्होंने कहा कि जो कैपिटल मार्केट है यानी शेयर मार्केट है वो परफेक्ट होना चाहिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल होनी चाहिए कोई जेक्शन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए सारे इन्वेस्टर बुद्धिमान होने चाहिए समझदार होने चाहिए रेशनल यानी बुद्धिमान फर्म कैन बी ग्रुप्ड इन टूबलैंड है उनको रिस्क के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कि आप इस रिस्क क्लास में आते हो आप इस रिस्क क्लास में आते हो यानी बीटा फैक्टर के बेसिस पर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और टैक्स ना हो तो इन्होंने कहा कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट होना चाहिए सारी इंफॉर्मेशन फ्री अवेलेबल होनी चाहिए कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए सारे इन्वेस्टर रेशनल होने चाहिए जितनी भी हमारी कंपनीज हैं उनको इक्विवेलेंट रिस्क क्लास में बांटा जा सकता है और टैक्स नहीं है अगर ये सारी एजन फुलफिल हो जाती हैं तो एनओ आई अप्रोच बिल्कुल ठीक है तो एनओ आई अप्रोच अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है तो आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इरेलीवेंट है एनओ आई अप्रोच की पॉइंट ऑफ व्यू से सॉरी ये वाला एनओ आई अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इेलिवेंट है डेट के इस्तेमाल से कोई फायदा नहीं होने वाला मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म अनिवर्ड और लीवर्ड की सेम रहेगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम रहेगी अगर आपसे पूछा जाता है एमएम अप्रोच होता हो तो M .M. में आपको लिखना है कि अप्रोच ठीक है बस ये मीट होनी चाहिए Ademption क्या क्या है कि भाई कैपिटल मार्केट परफेक्ट है इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है कोई टैक्स नहीं है कंपनीज को सेम रिस्क क्लास में बांटा जा सकता है इक्विवेलेंट में और इन्वेस्टर्स रेशनल हैं सारे के सारे बुद्धिमान हैं ठीक है

में लिखा हुआ टैक्स नहीं है तो न्यूमेरिकल में टैक्स लेंगे या नहीं थ्योरी जो लिखी जाती है वो एजन के साथ लिखी जाती है और न्यूमेरिकल मार्केट के हिसाब से सोल्व होते हैं तो मार्केट में तो इनकम टैक्स चलता है तो फिर हमारे पास इनकम टैक्स होगा तो हम इनकम टैक्स के साथ ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हमेशा तो टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट है, है यानी अनलिवर्ड का के ओ फि परसेंट है और मैं आपको बता दूं अनिवर्ड का के ओ और सेम रहता है ठीक है अब सबसे पहले क्वेश्चन ने हमें बोला कि दोनों फर्म की वैल्यू एनआई अप्रोच से बताओ तो मैं आपको करके बता रहा हूं कैसे निकालेंगे दोनों फर्म की वैल्यू एनआई से निकालनी है तो और लिवर्ड लाख लाख दोनों की कमाई है माइनस इंटरेस्ट नौ लाख रुपए का लोन है दस परसेंट से नब्बे हजार का यहां पर इंटरेस्ट आ गया ये आ गया तीन लाख रुपए ये आ गया दो लाख दस हजार रुपए और टैक्स जाएगा फिफ्टी परसेंट वन पॉइंट फाइव लैख वन पॉइंट जीरो फाइव लैख

ये आगे सेवन लैख ये इक्विटी की वैल्यू आ गई इसमें डेट की वैल्यू जोड़ेंगे यहां कोई डेट नहीं यहाँ नाइन लैख का डेट वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ दस लाख यहाँ पर हो गई 16 अगर के पूछना चाहता है तो पूरी फर्म की आफ्टर टैक्स कमाई उठाओ और वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड कर दो तो आफ्टर टैक्स कमाई कितनी है तीन लाख वन माइनस पॉइंट फाइव और वैल्यू ऑफ फर्म है दस लाख ये आगे दी फिफ्टीन परसेंट और यहां पर भी तीन लाख की कमाई वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू है सोलह लाख थर्टीन थ्री लाख डिवाइडी डिवाइड नाइन पॉइंट थ्री सेवन फाइव परसेंट तो ये हमारे पास एन आई अप्रोच आ गया बिल्कुल सिंपल है एनआई अप्रोच ठीक है जी एनआई अप्रोच तो हमें समझ में आ रहा है तो एनआई में क्या करना है दोनों की कमाई लो इंटरेस्ट माइनस करो ये लीवर्ड है या अनलीवर्ड है और अपना निकालिए ये सिक्सटीन लाख ये टेन लाख हो गया जी अब क्वेश्चन ने दूसरा पॉइंट दिया कि आपको दोनों फर्म की वैल्यू निकालनी है एनओआई से तो एनओआई में क्या करेंगे एनओआई के अंदर पहले वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म निकालेंगे एबीआईटी वन माइनस टैक्स पूरी कंपनी की कमाई पूरी कंपनी का केओ पूरी कंपनी की कमाई है 3 लाख आफ्टर टैक्स किया उसको के है फिफ्टीन परसेंट दस लाख रुपए वैल्यू आ गई अब लीवर्ड की वैल्यू निकालेंगे लीवर्ड की की वैल्यू वैल्यू है अनलीवर्ड प्लस डी टी नौ लाख रुपए टैक्स तो फोर्टीन पॉइंट फाइव लैख अनलीवर्ड की वैल्यू लीवर्ड की वैल्यू, 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 तो वैल्यू, वैल्यू निकल आएगी तो इसमें ये दो स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं पांच नंबर मिल जाते हैं जनरली एनओआई या एमएम MM से आता है एमएम MM और एनओआई दोनों सेम रहेंगे बिल्कुल ठीक है इसके बाद में ये आगे थी दस लाख और ये आगे फोर्टीन पॉइंट फाइव लैख कह रहा है ओवरऑल के ओ बताओ एनओआई से दोनों फर्म का ओवरऑल के ओ बताना है जी आ जाइए के ओ जो अनलिवर्ड फर्म है उसका के ओ और के ई एक बराबर रहते हैं वो फिफ्टीन परसेंट है इस क्वेश्चन में इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता कोई वर्किंग नहीं दिखानी जो लीवर्ड है उसका के ओ निकालना है तो लीवर्ड के के केओ लिए पूरी फर्म की आफ्टर टैक्स कमाई और पूरी फर्म की वैल्यू तो पूरी फर्म की कमाई है तीन लाख रुपए उसको वैल्यू फर्म है डेढ़ लाख रुपए डिवाइड बाई फोर्टीन लैखी ये आ गया टेन पॉइंट थ्री फोर परसेंट क्वेश्चन खत्म तो ये दस नंबर का क्वेश्चन है जिसमें तीन पॉइंट पूछे गए हैं के पहले एनआई से निकालो फिर एनओ से निकालो आपको जो एग्जाम में मिलेगा वो एनओ और एमएम MM ही मिलेगा ये पक्की बात है एग्जामिनर इसी को पूछता है तो आगे फिफ्टीन और ये आगे टेन पॉइंट थ्री फोर टेन पॉइंट थ्री फोर आ रहा है ना ठीक है अब जो देखिए इसका आगे क्वेश्चन बीबी क्यू सिक्सटी नाइन ये बहुत हॉट क्वेश्चन है ब्लू लिमिटेड एंड ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी 275 15 उसका इक्विटी से है ठीक है अब ये सोच रही है दो सौ पिछहत्तर लाख के इक्विटी हम वापस खरीद लें और डिवेंचर इशू कर दें तो बताइए परचेज करने से पहले क्या सीन है अभी कंपनी का सीन है वो ऑल इक्विटी फर्म है यानी परचेज करने से पहले कंपनी अनलिवर्ड है उसके पास कोई लीवरेज नहीं है कोई उसके ऊपर लोन नहीं है और जैसे टू सेवेंटी फाइव लैक के इक्विटी शेयर आप रिपर्चेज करोगे लोन इशू करोगे लोन इशू के साथ यही कंपनी लीवर्ड बन जाएगी तो एक ही कंपनी की दो सिचुएशन बताएंगे पहले वो अनलिवर्ड और उसके बाद में लीवर्ड ठीक है करंट मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी इज सेवनटीन फिफ्टी लैक तो करंट मार्केट वैल्यू कंपनी की सेवनटीन फिफ्टी लैक है और सारा पैसा इक्विटी से आया हुआ है ठीक है विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल ट्वेंटी परसेंट इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ट्वेंटी परसेंट है के भी ट्वेंटी परसेंट होगा अभी इसका ओके कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर रिमेन टू इन फ्यूचर ईयर इन्होंने कंपनी को इसमें गायब करा हुआ है क्वेश्चन में ई नहीं बताया कोई बात नहीं कह रहे द कंपनी ऑल्सो हैज अ पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स एंटायर इनकम डिविडेंड कोई लेना देना नहीं टैक्स रेट थर्टी परसेंट है टू कैलकुलेट इम्पैक्ट ऑन द फॉलोइंग ऑन अकाउंट ऑफ द चेंज इन दैपिटल स्ट्रक्चर एच पर एमएमएम और एन ओ आई सोल्यूशन एक ही तरह से होगा इम्पैक्ट पूछ रहा है कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तो इसका मतलब हमारी पहले क्या सिचुएशन थी परचेज अपने शेयर को परचेज करने से पहले और शेयर को परचेज करने के बाद लोन को इश्यू करने के बाद क्या स्थिति होगी यानी जब हम अनलिवर्ड थे तो क्या स्थिति और लीवर्ड है तो क्या स्थिति होगी तो सीधे सीधे अनलिवर्ड और लीवर्ड दो कंपनियां दे देते और सारी चीजें पूछ लेते कोई बात नहीं बोले मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन तीनों चीजों पे फर्क बताना है तो पहले मैं बता रहा हूं रीपर्चेज करने से पहले आपकी क्या स्थिति है तो बिफोर इशू ऑफ डेट डेट इशू करने से पहले कंपनी की क्या स्थिति है इन्होंने पूछा है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म सेवनटीन फिफ्टी है आपकी ठीक है सेकंड इन्होंने पूछा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल खुद ही दी हुई है बीस परसेंट के ओ बीस परसेंट है थर्ड इन्होंने पूछा है के ई के भी बीस परसेंट है तीनों चीजें सेम टू सेम है ठीक है एक मिनट हेलो हाँ पापा मैं क्लास में हूँ क्लास के बाद करता हूँ ठीक है हाँ जी तो हमारे पास आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म सेवनटीन फिफ्टी के ओ ट्वेंटी परसेंट के ई ट्वेंटी परसेंट ये सिचुएशन है जब हम अनलीवर्ड है अनलीवर्ड है ओके okay. अब वो हमारे पास क्वेश्चन में एक चीज तो गायब है ई बी आई टी पहले मैं आपको ई बी आई टी की कैलकुलेशन बताता हूँ ई बी आई टी कैसे निकलेगा मुझे बताइए मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म या फिर के ई मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कुछ भी ले लो दोनों से एक ही चीज आएगी तो जैसे मैं बात करता हूं मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बी इसके लिए आप क्या कर सकते हैं फर्म की पूरी कमाई आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई के ओ कर दो अब आपके पास केओ है बीस परसेंट टैक्स है आपके पास इस क्वेश्चन में थर्टी परसेंट और वैल्यू ऑफ फर्म आपके पास है सेवनटीन फिफ्टी लैख ये तीनों चीजें ईबीआईटी आ जाएगा आपके पास सेवनटीन फिफ्टी लैख वन माइनस टैक्स डिवाइड बाई के ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट को सामने ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए सेवनटीन फिफ्टी इन टू ट्वेंटी परसेंट थ्री फिफ्टी लैक आई टीवस टू थ्री फिफ्टी लैक डिवाइड बाई पॉइंट सेवन फाइव हंड्रेड लैक यानी आपका ई बी आई टी फाइव हंड्रेड है हमने पहले ये निकाल लिया दे, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे ओके okay. तो ये बिफोर इशू ऑफ डेट था अब आफ्टर इशू ऑफ डेट क्या होगा आफ्टर ऑफ ऑफ डेट हम शेयर को वापस खरीद रहे हैं और टू लाख फाइव लैख का डेट इशू कर रहे हैं पंद्रह परसेंट के रेट से अब मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी के ओ और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें ये तीन चीजें फिर से चाहिए ठीक है जी सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस डी टी अनलीवर्ड की वैल्यू थी 1750 लाख डी है हमारे पास 275 लाख का लोन हम इशू कर रहे हैं टैक्स रेट है 30% तो 275 लाख का 30% प्लस 1750 1832.5 लाख हमारी फर्म की वैल्यू हो जाएगी ओके सेकंड पूछें केओ क्या होगा तो पूरी फर्म की कमाई आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ़ फर्म पूरी फर्म की कमाई हम निकाल चुके हैं 500 लाख है वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ़ फर्म आ गई 1832.5 लाख 500 माइनस 30 परसेंट डिवाइड बाई वन 1832.5 ये आगे 19.10 परसेंट और इसके बाद में तीसरा पॉइंट पूछ रहे हैं के तो के के लिए इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई ईबीआईटी माइनस आई वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ शेयर तो ईबीआईटी है फाइव हंड्रेड लैख इंटरेस्ट जाएगा फिफ्टीन परसेंट टू सेवेंटी फाइव लैख का लोन ले लिया है हमने वन माइनस टैक्स डिवाइड बाई शेयर की वैल्यू फर्म की वैल्यू बताइए कितनी आई है फर्म की वैल्यू आई है एटीन थर्टी टू पॉइंट फाइव फर्म की वैल्यू के दो हिस्से हैं शेयर और डेट डेट है 275 लाख का तो शेयर्स कितने के होंगे 1557.5 लाख के शेयर्स होंगे आपके तो वैल्यू ऑफ़ फर्म के अंदर शेयर्स और डेट होते हैं तो लीवर्ड फर्म अनलीवर्ड में तो सिर्फ इक्विटी था लीवर्ड में शेयर और डेट दोनों हो गए डेट पार पे लिया जाता है 275 का तो 1557.5 पर शेयर्स आ गए तो के फिफ्टीन परसेंट माइनस फाइव हंड्रेड माइनस थर्टी परसेंट टैक्स चला गया डि फाइव फाइव सेवन पॉइंट फाइव ट्वेंटी पॉइंट सिक्स टू परसेंट ये हमारा के ही आ गया क्वेश्चन ने हमसे पूछा था इंपैक्ट बताना है आपको इंपैक्ट तो हमारी कंपनी पहले सेवनटीन फिफ्टी की है बाद में एटीन थर्टी टू की हो गई वैल्यू एटी टू पॉइंट लैक बढ़ गई पहले हमारा के ओ ट्वेंटी है फिर नाइनटीन पॉइंट वन हो गया से गिर गया के पहले ट्वेंटी था फिर ट्वेंटी पॉइंट सिक्स टू हो गया पॉइंट सिक्स टू से इंक्रीज हो गया क्वेश्चन खत्म इससे भारी क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं है ये सबसे भारी क्वेश्चन माना जाता है जिसमें ईबीआईटी बी आई टी अदरवाइज आपको हमेशा ईबीआईटी दिया जाएगा इसके बाद हमारे पास आती है ट्रेडिशनल एपरोच। ट्रेडिशनल अप्रोच बड़ी सिंपल सी है ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है ना के डी फिक्स है ना के ई फिक्स है ना के ओ फिक्स है समय के हिसाब से कुछ भी बदल सकता है तो ये कहते हैं समय के हिसाब से सारी चीजें बदलते हैं इनका कहना है कि जैसे के और के है के ये मान लो बीस परसेंट और के डी है दस परसेंट के रेट से बोले अगर शुरू में तुम थोड़ा बहुत लोन लोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान लो सौ करोड़ की कंपनी में आपने पचास लाख का लोन ले रखा है तो इससे क्या रिस्क पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर को सो करोड़ की वर्थ है उनकी पचास लाख का लोन उनके लिए बहुत छोटी अमाउंट है तो इनका कहना है देखो बहुत छोटा लोन होगा तो इक्विटी शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो के ही कॉन्स्टेंट रहेगा के डी भी कॉन्स्टेंट रहेगा बोले लेकिन अगर लोन बड़ा हो जाए थोड़ा जैसे कि सौ करोड़ की कंपनी में पांच दस करोड़ का लोन हो जाए तो शेयर होल्डर को फर्क पड़ना शुरू होगा तो अगर लोन बढ़ता है तो केई को रिस्क लगने लगता है कि भाई रिस्क आ रहा है शेयर होल्डर को रिस्क लगता है तो केई बढ़ने लगेगा फिर ये बोले कि एक टाइम आता है जब बैंक को भी डाउट हो जाता है आप पे अगर बहुत ज्यादा लोन ले लो अब सोचो सौ करोड़ की कंपनी में अगर 50 करोड़ का लोन है तो बैंक को भी डाउट है कि कंपनी अगर डूब डूब गई तो आधा पैसा तो हमारा लगा हुआ है तो अगर लोन बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो बैंक भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है तो ऐसी सिचुएशन में KD भी बढ़ जाता है तो इनका कहना है ना के फिक्स है ना के फिक्स है ना केओ फिक्स है आपको अलग अलग सिचुएशन में के ओ निकाल कर देखना होगा तो अलग अलग सिचुएशन में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालकर देखनी है जिस सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम आए या मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज्यादा आए उस सिचुएशन को हम कहेंगे कि ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है तो ये बोले देखो हमारा जो के डी है वो शुरू में ठीक रहता है लेकिन ज्यादा लोन लोगे तो वो भी बढ़ जाता है अच्छा हमारा जो के ई है वो शुरू में कहता है कोई रिस्क नहीं है पर लोन बढ़ाओगे तो वो भी बढ़ जाता है ओके और जो हमारा के ओ है वो शुरू में कम होता है लेकिन एक टाइम के बाद वो भी बढ़ने लग जाता है तो तीनों बदलते रहते हैं तो इन्होंने कहा ये चेक करो कि कहाँ पर के ओ सबसे कम है वही इक्विटी और डेट का प्रपोर्शन बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा तो इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आता है इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे आएगा इसके अंदर क्वेश्चन का कहना है कि हम आपको अलग अलग सिचुएशन देंगे एबीसी लिमिटेड विद ईबीआईटी ऑफ ऑफ इज अ नंबर पॉसिबल कैपिटल ब्लो ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर विल यू रिकमेंड एंड वाई तो इन्होंने कहती है हम पांच कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं तीन लाख रुपए हमारा ईबीआईटी है तो वन टू थ्री फोर फाइव हमने ईबीआईटी ले लिया तीन लाख रुपए ठीक है थी? अब कह रहे हैं देखो पहले में तीन लाख का लोन है दस परसेंटी तो तीन लाख का दस परसेंट तीस हजार इंटरेस्ट आ गया टू सेवेंटी बचा शेयर होल्डर के लिए कह रहे हैं, के परसेंट है के से डिवाइड करा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को जोड़ा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ गई ट्वेंटी कंपनी की पूरी कमाई को मार्केट वैल्यू फर्म से डिवाइड करोगे तो के निकल जाएगा ठीक है जी तो पहला वाला सोल्व हो गया ठीक है बोले बिल्कुल ऐसे ही अब बाकी सारे वन बाई वन देखते जाओ दूसरे में चार लाख का लोन है दस परसेंट इंटरेस्ट है चालीस हजार गया के, के थर्ड में पांच लाख का लोन है ग्यारह परसेंट से तो पचपन हजार चला गया इसको हमने थर्टीन पॉइंट फाइव के ई हो गया उससे डिवाइड किया वैल्यू आ गई के वो आ गया फिर छह लाख का लोन है बारह परसेंट से बहत्तर हजार का इंटरेस्ट हो गया

फर्म की वैल्यू निकालने के लिए शेयर और डेट को जोड़ा फर्म की वैल्यू निकाली के ओ निकाला अब आपको चेक करना है इन सारे प्लान में मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म किसकी ज्यादा है और के ओ किसका कम है तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 2550 सबसे ज्यादा है और इसी का केओ 11.76 सबसे कम है तो प्लान वन हमारे लिए बेस्ट है तो इसकी कोई थ्योरी नहीं है ये कहता है सब कुछ बदल सकता है आपके सामने हम पूरा डेटा देंगे आप बस ये बता दो किसकी वैल्यू ज्यादा है और बात खत्म तो ये बिल्कुल सिंपल है इसलिए इसका पूछा जाना बहुत रेयर है मार्क जो जो एग्जाम में आपको मिलेगा मिलेगा वो अप्रोच अप्रोच या से ही क्वेश्चन मैंने दो तो क्वेश्चन ऊपर करवाए हैं है। एक बीबी क्यू सेवेंटी वन ये एग्जाम में पूछा जाता है स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है आरटीपी में भी खूब आता है और एग्जाम में भी पूछा हुआ है एल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर अल्फा लिमिटेड है बीटा के रेशो में इस पर ट्वेंटी एट्टी के रेशियो में है. ओके ऑल परसेंटेज आर इन मार्केट वैल्यू कोई लेना देना नहीं बोरोइंग रेट एट परसेंट है नो टैक्स वर्ड कोई टैक्स नहीं है एंड कैपिटल मार्केट आर एज्यूम टू बी परफेक्ट कैपिटल मार्केट परफेक्ट है कोई लेना देना नहीं रिक्वायरमेंट वन इफ यू ओन टू परसेंट ऑफ शेयर आपके पास एल्फा के दो परसेंट शेयर है डि डरमाइन योर रिटर्न इफ कंपनी है तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि इस फर्म की वैल्यू कितनी है और इस फर्म के टोटल शेयर कितने हैं और आपकी कमाई कितनी है तो हमारे पास थ्री सिक्सटी का ई बी आई टी है एटीन परसेंट के ओ है तो थ्री सिक्सटी का ई बी आई टी पूरी फर्म की कमाई के ओ है अट्ठारह परसेंट यानी फर्म की वैल्यू बीस लाख रुपए है इस बीस लाख में से आधा पैसा एल्फा का डेट से है और आधा इक्विटी से है ठीक है तो दस लाख इक्विटी से आ गया दस लाख डेट से आ गया अब जरा देखिए कंपनी की कमाई शुरू करते हैं कंपनी की नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी है थ्री सिक्सटी दस लाख का कंपनी ने लोन लिया हुआ है आठ परसेंट से बीस लाख की कंपनी आधा आधा बटा हुआ है डेट और इक्विटी पर तो अस्सी हजार का इंटरेस्ट चला गया इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई हुई दो लाख अस्सी हजार ये पूरी कंपनी की कमाई है आपके पास कितने शेयर हैं हमारे पास कंपनी के दो परसेंट शेयर हैं तो पूरी कंपनी की कमाई है दो लाख अस्सी हजार तो आपकी कमाई उसमें सिर्फ दो परसेंट होगी क्योंकि आपके पास दो परसेंट शेयर होल्डिंग है तो फिफ्टी सिक्स हंड्रेड आपकी कमाई होगी तो पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास इतने शेयर हैं तो आप कितना कमाओगे फिफ्टी सिक्स हंड्रेड हम कमा देंगे ठीक है दूसरा पॉइंट है इसमें कैलकुलेट इंप्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इक्विटी पे कमाई कितनी हो रही है तो इक्विटी को दो लाख अस्सी हजार रुपए मिल रहे हैं इक्विटी ने दस लाख ,00 रुपए लगाए हुए हैं

ट्वेंटी परसेंट पैसा डेट से है और इक्विटी से है तो इसके पास सोलह ,00 है ,00 ये ये लाख हैं हो गई, 4 ,00 से सोलह लाख इक्विटी इक्विटी रिटर्न ऑफ बीटा बीटा की रिटर्न कितनी आएगी तो बताइए बीटा की कमाई कितनी थ्री सिक्सटी बीटा चार लाख रुपए पर आठ परसेंट इंटरेस्ट देगा थ्री सिक्सटी की कमाई चार लाख पर आठ परसेंट इंटरेस्ट थ्री ट्वेंटी एट की कमाई इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बची और इक्विटी शेयर होल्डर हैं सोलह लाख रुपए के निकाल लीजिए कितने परसेंट हैं डिवाइड लाख में यानी इनकी रिटर्न आ गई ओके okay。अब क्वेश्चन कह रहा है एनालाइज वाई डिफर फ्रॉम एल्फा एल्फा की जो कमाई है वो तो अट्ठाईस परसेंट थी और आपकी कमाई ट्वेंटी पॉइंट फाइव परसेंट है तो ऐसा क्यों हो रहा है इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है अल्फा के पास लोन ज्यादा है जिस कंपनी के पास लोन ज्यादा है अगर आर ओ आई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा हो आर ओ आई यहां पर बीस परसेंट है इस क्वेश्चन के अंदर जो आर ओ आई है वो है अठारह परसेंट ओके के ओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी आर ओ आई आर ओ आई है अठारह परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है आठ परसेंट तो जब आर ओ आई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होती है तो फाइनेंशियल यानी डेट आपके में काम करता है तो जो ज्यादा होगी तो यहां पर जिसकी है, वो जाएगा. की कमाई अल्फा से कम है बिकॉज बीटा लिमिटेड यूज लेस डेट इन स्ट्रक्चर एट द लीनियर फंक्शन टू डेट इक्विटी रेशियो व्हेन वी यूज द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच द डिक्लाइन डिस exactly तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आप सिंपली लिखेंगे ज्यादा होती है उल्टा साइन बना दिया ऊपर भी तो उल्टा नहीं बनाया हाँ ऊपर भी उल्टा बनाया जब आर ओ आई रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होती है तो फाइनेंशियल फेवर lever, में काम करती है जिसके पास ज्यादा डेट होगा यानी ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज होगी उसकी कमाई ज्यादा होगी क्वेश्चन खत्म ओके इसके बाद में एक क्वेश्चन है बीबीक्यू सेवेंटी टू ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है कभी आया नहीं तो कभी भी पूछा जा सकता है सॉरी ये तो लीवरेज वो आ गए आर्बिट्रेज के ठीक है आर्बिट्रेज से पहले बताता हूं आपको बाकी की दो थ्योरी तो हमारे पास सबसे पहली अप्रोच हो गई एनआई अप्रोच एनआई अप्रोच कहती है डेट यूज करोगे तो फर्क पड़ेगा ये सिंपली क्या करेगा कैसा दिखेगा आपको इसका न्यूमेरिकल इसका न्यूमेरिकल आपको दिखेगा इस तरीके से ई लो इंटरेस्ट माइनस करो ई पे आ जाओ टैक्स है तो माइनस कर दो ई आ जाएगा फिर केई से डिवाइड करना है दोनों जगह पे केई सेम रहेगा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लीजिए के पूछता है तो के निकाल दीजिए यहां पर जो डेट का इस्तेमाल करेगा उसकी वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा होगी और के कम होगा ठीक है फिर हमारे पास आती है दूसरी अप्रोच एन आई अप्रोच एनओ आई अप्रोच कहती है पहले अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू निकालो फिर लीवर्ड की निकालो लीवर्ड की वैल्यू में अनलिवर्ड की वैल्यू में डी इन टू टी को हम ऐड कर देंगे एम MM एम अप्रोच भी सेम बात कहती है न्यूमेरिकल सेम सोल्व होता है बस इसने एजम्शन दिए हैं कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट है इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है इन्वेस्टर रेशनल है इक्विवेलेंट रिस्क क्लास में कंपनीज को बांटा जा सकता है और टैक्स नहीं है तो ये याद करके जानिए क्योंकि ये थ्योरी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इसके बाद में हमने देखा ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कुछ भी हो सकता है के, के डी, के ओ, मार्केट मार्केट वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ इक्विटी की फर्म सब वेरिएबल है आपको अलग अलग स्ट्रक्चर में ढूंढना पड़ेगा कि किसमें के ओ कम है और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा है वही कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा ठीक है इसके बाद में एक हमारे पास आती है ट्रेड ऑफ थ्योरी और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी पहले पैकिंग ऑर्डर थ्योरी बताता हूँ पैकिंग ऑर्डर थ्योरी सिर्फ आपको ये बताती है कि पैसा किस सीक्वेंस में मंगवाना चाहिए तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी कहती है कि देखो जो रिटेन्ड अर्निंग है उसके लिए हमें ना तो कोई प्रोस्पेक्ट इशू करना पड़ता ना हमें कोई फॉर्मेलिटी करनी पड़ती बस हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ एजीएम करेंगे और डायरेक्टर्स डिसाइड कर लेंगे कि इतना पैसा बिजनेस में हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं और इतना पैसा डिविडेंड दे रहे हैं तो जैसे इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई दस करोड़ रुपए है तो पांच करोड़ का डिविडेंड दे दिया पांच करोड़ बिजनेस में रिटेन कर लिया

तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं वो डाइल्यूट होंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे तो नए पार्टनर्स जुड़ जाएंगे कंपनी में दूसरी चीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाई होती है तो महंगा भी है डेट के साथ जाओ वो चीपर सोर्स है और इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा तो इन्होंने कहा दूसरा अगर आपको प्रीफरेंस देना है तो रिटेन रर्निंग खत्म हो जाए तो डेट से पैसा मंगवाओ लास्ट में इक्विटी से पैसा मंगवाना चाहिए तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी कहती है सिर्फ सीक्वेंस बताती है फंड कैसे मंगवाना है सबसे पहले सीक्वेंस में इन्होंने कहा कि प्रायोरिटी किसको देंगे आप पैसा मंगवाने पर को सेकंड प्रायोरिटी डेट को और थर्ड प्रायोरिटी शेयर्स को देंगे ठीक है एक आता है ट्रेड ऑफ थ्योरी ट्रेड ऑफ का मतलब होता है बैलेंस अगर देखिए ये डेट के ऊपर बनी हुई थ्योरी है ये कहता है डेट से कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है तो आपको फायदे और नुकसान दोनों के बारे में सोच के चलना चाहिए फायदा क्या है डेट के बेनिफिट है कि ये चीपर सोर्स है सस्ता मिलता है और इंटरेस्ट पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है तो एक तो ये चीपर सोर्स है सस्ता है दूसरा इसके इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट है ये हो गए फायदे ओके जी अब नुकसान क्या है डिसएडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज है कि डेट आने के बाद हमारे सामने एक इशू ये आता है कि अगर हम इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाए हमारी कमाई हो या ना हो जैसे कोविड है दो साल तक सारी कंपनियों के काम बंद रहे लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट तब भी करनी पड़ी उन्हें डेट को तो कुछ जगह पे बैंकों वगैरह ने लिबर्टी दे दी वो अलग बात है पर आप सोचो अदर देन कोविड की बात करो कोविड के अलावा अगर मान लो आपका बिजनेस डाउन हो गया आपकी कमाई नहीं है इंटरेस्ट को तो तब भी पेमेंट करनी पड़ेगी तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है अगर कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाती तो कंपनी के डूबने के चांसेस बन जाते हैं और कुछ कंपनियां डूब भी जाती हैं जैसे आप देख लो किंगफिशर डूब गई डेकन डूब गई इसके बाद में आपके पास जेट एयरवेज डूब गई तो ये जितनी भी कंपनियां डूबी हैं ये डेट की वजह से डूबी हैं आप कहीं पे पढ़ोगे तो एक ही बात बताते हैं डेट नहीं दिया मान लिया पैसा बैंकों का लेके भाग गया इन्वेस्टर्स का जो डेट वाले थे जो डिवेंचर होल्डर थे उनका पैसा लेके भाग गया तो डेट में क्या होता है डेट के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत है कमाई हो या ना हो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ठीक है तो इसके साथ में कॉस्ट है दो तरीके की एक है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इसमें क्लियर नहीं दिख रहा मैं वैसे लिख देता हूं देखेगा डेट के होने से फायदा बेनिफिट बेनिफिट है चीपर सोर्स है और टैक्स बेनिफिट है इंटरेस्ट पर ठीक है जी नुकसान कॉस्ट दो तरीके की कॉस्ट है एक है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फाइनेंशियल इश्यू जाएंगे इसमें फाइनेंशियल डिस्ट्रेस दो तरीके की है एक है नॉन बैंक कॉस्ट क्या आप अभी तक बैंक नहीं हुए लेकिन होने वाले हो और दूसरी है बैंक तो कंपनी मान लीजिए डेट की पेमेंट नहीं करवा रही और अभी बैंक नहीं हुई है तो नॉन बैंक लेकिन कंपनी डूब रही है धीरे धीरे तो जब कंपनी डूबने लगती है तो सबसे पहले जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एम्प्लॉज कंपनी छोड़ छोड़ के भागने लग जाते हैं उनको लगता है कंपनी तो डूबने वाली है सबसे पहले सीए छोड़ के भागते हैं उन्हें तो पता ही होता है कंपनी डूबनी है दूसरा आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो आपको उधार देना बंद कर देते हैं उनकी हाशतर आ जाती है तो अगर आपकी कंपनी डूब रही है तो सब लोग आपको छोड़ के भागने लगेंगे जब जहाज डूबता है तो सब लोग भाग जाते हैं तो आपके एम्प्लॉय भाग रहे हैं छोड़कर जो क्रिएटर है वो उधार नहीं दे रहे ये नॉन बैंक कॉस्ट है बैंक कॉस्ट है जो आपकी एसेट्स है वो कोड़ियों के भाव जाएंगी लो प्राइस पे सेल होती है तो आपकी करोड़ों की एसेट बहुत लो प्राइस पे सेल होगी दूसरा लीगल एक्सपेंसिज आपके ऊपर लग जाएंगे आपको लिक्विडेटर वगैरह अपॉइंट करना पड़ेगा तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस दो तरीके की आएगी एक जब बैंक करप्ट हो गए तो क्या नुकसान होगा एसेट्स एसेट्सियों हो के भाव जाएगी लीगल एक्सपेंस और बैंक करप्ट नहीं हुए हैं तो एम्प्लॉय छोड़ के भाग रहे हैं क्रेडिटर वगैरह ने उधार देना चालू कर दिया दूसरा है एजेंसी इशूज एजेंसी कॉस्ट एजेंसी कॉस्ट का मतलब है कि जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनके डिस्प्यूट होने लग जाते हैं जब कंपनी डूब रही होती है तो शेयर होल्डर इरिटेट होते हैं तो शेयर होल्डर्स लड़ सकते हैं डायरेक्टर्स के साथ कि भाई आपने क्या करा आपने लोन ले लिया बिना इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे इनको इनको इंटरेस्ट देके चलता करो इनको। और दूसरा शेयर होल्डर्स की लड़ाई हो सकती है डेट होल्डर्स के साथ कि आप दो चार साल का इंटरेस्ट माफ कर दो एक साल का इंटरेस्ट माफ कर दो थोड़ी पेशेंस रखो शेयर होल्डर तो रिस्क टेकर होते हैं वो कहते हैं प्रॉफिट नहीं होगा चलेगा तो वो डेट होल्डर को समझाते हैं भाई तू भी थोड़ा रिस्क ले ले पर डेट होल्डर रिस्क लेने को तैयार नहीं होता तो इनके बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं तो शेयर होल्डर का डायरेक्टर से और डिवेंचर होल्डर या डेट होल्डर से डिस्प्यूट होता है इसको बोलते हैं एजेंसी कॉस्ट तो आपको ट्रेड ऑफ थ्योरी कहती है कि बैलेंस करके चलना है फायदा नुकसान दोनों देख के चलना है आंखों पे पट्टी मत बांध लेना कि डेट चीपर सोर्स है और टैक्स बेनिफिट है उसके नुकसान को भी ध्यान में रखो कि बैंक कॉस्ट हो सकती है नॉन बैंक कॉस्ट और एजेंसी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ सकती है इट इज कॉल्ड है ट्रेड ऑफ थ्योरी इसके बाद में हमारे पास एक कंसेप्ट आता है आर्बिट्रेज ये आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया पर इसके न्यूमेरिकल स्टडी मैट में है तो आर्बिट्रेज प्रोसेस बेसिकली क्या कहता है आर्बिट्रेज कहता है कि देखो जैसे वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म है मोदी गिलानी एंड मिलर ने बताया आर्बिट्रेज दस लाख तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म क्या होनी चाहिए वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस डी टी तो अनलीवर्ड है दस लाख की मान लो डेट इसने पांच लाख का ले रखा है और पचास परसेंट टैक्स है तो साढ़े बारह साढ़े बारह नहीं है तो और दोनों दस, दस लाख के ही चाहिए। दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए ठीक है अब कई बार क्या होता है हो सकता है कि जो अनलिवर्ड है उसकी वैल्यू बारह लाख है और लीवर्ड की दस लाख या हो सकता है अनलिवर्ड दस लाख की है और लीवर्ड बारह लाख रुपए की है तो इसका मतलब genuine value से ऊपर बिक रही है तो कई बार कुछ कंपनियां अपनी जेनुअन वैल्यू से ऊपर की बिक्री होते हैं तो हम इसको कहते हैं ओवर वैल्यूड तो दो सिचुएशन हो सकती है कि अनलिवर्ड ज्यादा है लीवर्ड से यानी कि लीवर्ड है दस लाख की और अनलिवर्ड बारह लाख रुपए की दूसरी सिचुएशन हो सकती है लीवर्ड ज्यादा है अनलिवर्ड से यानी कि लिवर्ड बारह लाख की है और अनलिवर्ड दस लाख की है तो जो भी महंगा होता है उसे हम कहते हैं ये ओवर वैल्यूड है यानी महंगे पे चल रही है इसकी जेनुअन कीमत से ऊपर चल रही है ऐसी सिचुएशन में जो शेयर होल्डर होते हैं वो आर्बिट्रेज से फायदा उठा सकते हैं आर्बिट्रेज का मतलब होता है बेनिफिट उठाना किस तरह से ओवर वैल्यूड फर्म के शेयर्स बेच के अंडर वैल्यूड फर्म की तरफ स्विच हो जाओ Firm के shares बेच के, के बेच की तरफ जाओ। इसे कहते हैं हम process. तो process में जो महंगी है, है, के है, बिना बात उसके shares बेचो, वो महंगे में बिकेंगे और जो जेनुअन कंपनी है उसके शेयर्स खरीद लो वो सस्ते में मिल जाएंगे तो कमाई दोनों जगह आपकी दोनों कंपनियों की ऑपरेटिंग इनकम सेम होती है यानी ये तीन लाख रुपए तो ये भी तीन लाख तो अगर दोनों का ईबीआईटी सेम है तो दोनों की वैल्यू ऑफ फर्म भी सेम होनी चाहिए तो ओवर वैल्यूड फर्म के शेयर अगर आप बेचो सोचो ये बारह लाख ,00 में आपने कंपनी बेच दी पूरी की पूरी कंपनी दूसरी कंपनी दस लाख में मिल जाएगी और कमाई तीन लाख होगी दो लाख रुपए आपके पास बच भी जाएंगे तो इन्वेस्टर आर्बिट्रेज प्रोसेस अपना सकता है आर्बिट्रेज में ओवर वैल्यूड के शेयर्स बेच के अंडर वैल्यूड पर जाना होता है इसमें कमाई दो तरीके से की जा सकती है एक तरीका इसके अंदर रहता है कि आपको कमाई सेम करनी है यानी इनकम नहीं बढ़ानी दूसरा होता है कि आपको अपनी इनकम को भी बढ़ाना है ओके इंक्रीजिंग इन इनकम तो अगर आपको इनकम सेम रखनी है तो कम इन्वेस्टमेंट में सेम इनकम मिल जाएगी आपको इसका मतलब कुछ पैसे आपके हाथ में बच जाएंगे तो जैसे मान लो आपके पास दस परसेंट शेयर होल्डिंग है अनलिवर्ट की तो आपके पास एक लाख बीस हजार के शेयर्स हैं ठीक है अब आपको दस परसेंट यानी तीस हजार की आपकी यहां पर कमाई है तीन लाख पूरी कंपनी की कमाई है दस परसेंट के मालिक आपको तीस हजार आपके अब जरा देखिए यहां से आप अगर दूसरी तरफ स्विच करेंगे और सेम इनकम रखनी है तो तीस हजार रुपए कमाने के लिए सिर्फ एक लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा दस परसेंट बीस हजार रुपये तो बच जाएंगे दूसरा तरीका है आपको अपनी इनकम भी बढ़ानी है तो एंटायर इन्वेस्टमेंट कर दो तो पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दो अब सोचो मैं लाख बीस हजार हो जाएगी तो दो तरीके से की प्रोसेस फायदा दे सकती है एक तो इनकम को अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपका कम हो जाएगा बाकी पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो दूसरा आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो महंगी कंपनी से पैसा निकालकर सस्ती कंपनी में डाल दीजिए आपकी कमाई बढ़ जाएगी इसके दो हमारे पास स्टेप रहेंगे अगर लीवर्ड महंगी है और अनलीवर्ड में जाना है अगर लीवर्ड महंगी है और अनलीवर्ड में आपको जाना है वहां से तो आप क्या करिए सबसे पहले जो महंगी है उसके शेयर बेच दो तो हम लीवर्ड के को बेच देंगे अब आप क्या करोगे लीवर्ड से अनलीवर्ड में जाओगे तो लीवर्ड कंपनी के अंदर आपके पास रिस्क था फाइनेंशियल लीवरेज थी लीवर्ड कंपनी का मतलब है डेट था यहां पर तो यहां पर अगर डेट था तो आपके सर पे फाइनेंशियल लीवरेज थी तो रिस्क को मैच करने के लिए जब मैं लीवर्ड से अनलीवर्ड की तरफ जाऊंगा तो यहां पर रिस्क था डेट का ओके यहां पर कोई रिस्क नहीं है डेट का वो अनलीवर्ड है वो है तो जब आप लीवर्ड से अनलीवर्ड में जाओगे तो रिस्क आपका जीरो हो जाता है खत्म हो जाता है तो मैचिंग कंसेप्ट नहीं बनेगा तो इन्होंने कहा पहले आप अपने शेयर्स को बेच दो और रिस्क को मेंटेन करने के लिए रिस्क को मेंटेन करने के लिए आप बाजार से लोन उठा दो तो आप बाजार से लोन ले लो तो पहले भी आपके सर पे लोन था अब भी आपके सर पे लोन रहेगा जिससे आपका रिस्क मैनेज हो तो रिस्क को मेंटेन करने के लिए बाजार से रिस्क लिए आप बोरो कर लो सेम डेट इक्विटी रेशो में जो भी डेट इक्विटी रेशो है जैसे यहाँ पर एक लाख की इक्विटी एक लाख का डेट था तो आप जब बाहर जाओ तो सामने इसी रेशो में वन इजू वन के रेशो में लोन भी ले लो अभी क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा अब आपने शेयर्स बेच दिए और लोन ले लिया अब आपके पास पैसा आ गया अब आप दूसरी कंपनी में अगर सेम शेयर होल्डिंग खरीदोगे जितनी आपकी अंडीबर्ड में थी दस परसेंट थी वहां भी दस परसेंट हो तो आपको सेम रिटर्न मिलेगी लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका कम लगेगा और अगर आप पूरे की पूरी अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको इसका किस तरह से चलेगा एग्जाम में अभी तक आया नहीं है लेकिन कभी ना कभी आएगा जरूर सेवेंटी टू देर आर टू कंपनीज एन लिमिटेड एंड एनलिमिटेड हैविंग सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ई बी आई टी ट्वेंटी थाउजेंड दोनों का ई बी आई टी बीस हजार है एम लिमिटेड इज ए लीवर्ड कंपनी वन लैख के डेट है इस पर सेवन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ठीक है कॉस्ट दस परसेंट है एम की इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट है कंप्यूट हाउ आर वी ट्रेड प्रोसेस बी ऑन तो मैं पहले दोनों कंपनियों की आपको वैल्यू बताता हूँ ये है यहाँ पर एम एन और एम एन एम दोनों का ई बी आई टी बीस हजार है बीस हजार बीस हजार लोन किसके पास है लोन है एम के पास एक लाख रुपए का माइनस इंटरेस्ट सात हजार का इंटरेस्ट चला गया ये बीस हजार रुपए ये हो गया तेरह हजार रुपए। केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी एन की है दस इसकी इलेवन पॉइंट फाइव दस परसेंट दो लाख रुपए के शेयर्स इसकी है इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट तेरह हजार डिवाइड बाई इलेवन पॉइंट फाइव हो गया तेरह हजार डिवाइड बाई इलेवन पॉइंट फाइव हो गया जीरो फोर थ्री ओके अब यहां पर डेट को जोड़ दीजिए वैल्यू ऑफ शेयर आ गई डेट को जोड़ दीजिए डेट कितना है इसके पास कोई डेट नहीं है इसके पास एक लाख का डेट है इसकी वैल्यू हो गई दो लाख रुपए इसकी वैल्यू हो गई दो लाख तेरह हजार तैतालीस रुपए ठीक है दोनों फर्म की वैल्यू आ गई दो लाख दो तेरह जीरो तैतालीस अब हमारे पास अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं कि एम एम है M कौन सी थी Levered, और यह है अनलीवर्ड तो थीवर्ड अनलीवर्ड से महंगी है अब हम क्या करेंगे लीवर्ड में अगर हमारी शेयर होल्डिंग है तो हम उसको बेच देंगे तो क्वेश्चन में एग्जाम्पल देना होता है एग्जाम में आपको मिलेगा तो आपको बताया जाएगा आपकी शेयर होल्डिंग कितनी है तो क्वेश्चन ने जैसे कह दिया आपके पास टेन परसेंट शेयर होल्डिंग है ओके जी आपके पास टेन परसेंट शेयर होल्डिंग है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे हमारे पास सबसे पहला स्टेप जो टेन परसेंट शेयर लिवर्ड कंपनी के शेयर हमने बेच दिए इक्कीस हजार तीन सौ चार रुपए हमें मिल गए दस परसेंट शेयर बिक गए हमारे पास दस परसेंट शेयर थे वो बेच दिए अब बाजार से लोन लेना होगा आपको तो लोन कितना लेना होगा दस परसेंट शेयर थे ना तो एक लाख का लोन था तो दस परसेंट हिस्सा दस हजार हो गया बाजार से दस हजार का लोन उठा लो आप ओके okay. यहां पर आपके पास दस परसेंट शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में इस कंपनी में एक लाख का डेट है तो आपके सर पर दस हजार का हिस्सा उसका आ रहा है आपके ऊपर भी रिस्क है दस परसेंट रिस्क है तो दस हजार का आपने लोन ले लिया अब आपके पास हो गए इकतीस हजार तीन सौ चार रुपए अब आप दो काम कर सकते हो पहला काम अगर आपको सेम इनकम रखनी है तो दस परसेंट अनलिवर्ड में आप शेयर खरीद लो तो दस परसेंट शेयर कितने मिलेंगे यहां पर बीस हजार रुपए के बीस हजार रुपये आप इन्वेस्ट कर दो यहां पर और अगर आपको इनकम को बढ़ाना है तो पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दो आप यहां पर तो हमारे पास ये यह देखिए यहां पर मैंने कुछ गलती कर दी ओके हाँ गलती कर दी रुक जाइए टेन परसेंट शेयर्स आपको बेचने हैं मैंने एक चीज गलत कर दी यहां पर टेन परसेंट शेयर्स आपको बेचने तो लीवर्ड कंपनी के शेयर हैं एक लाख तेरह तो हजार तैंतालीस के तो ग्यारह हजार तीन सौ चार रुपए में आपके शेयर बिक गए ठीक है और दस हजार रुपए का आपने लोन ले लिया आपके पास फंड इक्कीस हजार तीन सौ चार रुपए ठीक है अब इक्कीस हजार तीन सौ चार रुपए में आपके पास दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कि दूसरी कंपनी में टेन परसेंट शेयर होल्डिंग ले लो तो दूसरी कंपनी दो लाख रुपए की है शेयर उसके बीस हजार रुपए के शेयर्स ले लीजिए और दूसरा है पूरे इक्कीस हजार तीन सौ चार रुपए के शेयर्स ले लीजिए अनलीवर्ड में ठीक है जी अब दोनों में फर्क क्या पड़ने वाला है अगर आपने बीस हजार रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपकी इनकम तो सेम रहेगी लेकिन आपके पास एक हजार तीन सौ चार रुपए सेव हो जाएंगे तो एक हजार तीन सौ चार रुपए कम खर्च करके आपकी सेम इनकम बनी रहेगी सेम इनकम कैसे यहां पर आप कितना कमा रहे थे दस परसेंट शेयर होल्डिंग है आपके पास यहां आप तेरह सौ रुपए कमा रहे थे तेरह हजार में दस परसेंट आपका तेरह सौ अब यहां पर कितना कमाओगे दस परसेंट शेयर होल्डिंग में बीस हजार में दस परसेंट शेयर होल्डिंग आपके पास है तो आप दो हजार रुपए यहां पर कमाओगे लेकिन आपने दस हजार का लोन लिया है जिस पर सात परसेंट इंटरेस्ट है सात सौ रुपये आप इंटरेस्ट दोगे तेहरा सो रुपए आपकी इनकम आ जाएगी तो यहां पर आपकी इनकम कितनी थी तेरह सौ रुपए यहां पर भी इनकम कितनी रही आपकी तेरह सौ रुपए लेकिन आपके पास थर्टीन हंड्रेड फोर का इन्वेस्टमेंट बच गया और फुल इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी कैसे इक्कीस हजार तीन सौ चार रुपए के आपने शेयर्स खरीदे हैं दो लाख रुपए की कमाई दो लाख रुपए पर दस हजार बीस हजार की कमाई है दो लाख ,00 पर बीस हजार की कमाई यानी दस परसेंट कमाई कंपनी कर रही है तो आप दो हजार एक सौ तीस रुपए कमाओगे जो लोन लिया है उस पर सात सौ रुपए का इंटरेस्ट दोगे गए इक्कीस तीस माइनस सात सौ रुपए जो फोर्टीन थर्टी आपकी इनकम हो जाएगी तो पहले इनकम थी आपकी तेरह सौ रुपए नेट अब आपकी इनकम फोर्टीन थर्टी हो जाएगी तो एक सौ तीस रुपए आपकी इनक्रीजिंग इनकम हो जाएगी तो दो तरीके यहां पर रहते हैं कि आपको इनकम बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है? अब जरा देखिए हमने क्या किया हमने सबसे पहले वैल्यू निकाल दी ये कंपनी दो लाख रुपए की है ये दो लाख तेरह हजार रुपए की ये ओवर वैल्यूड है हमारे पास इसके दस परसेंट शेयर हैं तो हमने ग्यारह हजार तीन सौ चार रुपए के शेयर बेचे और एक लाख का लोन था तो दस परसेंट हिस्सा हमारा था दस हजार का लोन दिया इक्कीस हजार तीन सौ चार रुपए हमारे पास आ गए ठीक है इक्कीस हजार तीन सौ चार रुपए अब अगर आपको कमाई सेम रखनी है तो दूसरी कंपनी के दस परसेंट शेयर ले लो बीस हजार रुपए के शेयर ले लिए ठीक है अब आपके पास तेरह सौ चार रुपए का इन्वेस्टमेंट सरप्लस कैश बच गया तो कम इन्वेस्टमेंट में सेम कमाई हो जाएगी कमाई कैसे सेम दूसरी कंपनी में बीस हजार रुपए की कमाई है दस परसेंट आपकी हुई दो हजार जो लोन लिया सात सौ का इंटरेस्ट दिया तेरह सौ की कमाई हो गई पहले वाली कंपनी में भी तेरह सो की ही कमाई आपकी हो रही थी ठीक है दूसरा तरीका है पूरे इक्कीस हजार तीन सौ चार रुपए लगा दो तो आपकी कमाई हो जाएगी फोर्टीन हंड्रेड थर्टी एक सौ तीस रुपए की कमाई पड़ जाएगी ये हुआ जब लीवर्ड फर्म ओवर वैल्यूड थी अब दूसरा है जब अनलीवर्ड फर्म ओवर वैल्यूड हो अगर अनलिवर्ड फर्म ओवरवैल्यूड वैल्यूड है तो हमारे पास स्टेप क्या रहेंगे पहला स्टेप अनलिवर्ड के शेयर्स बेच दो दूसरा स्टेप अब दूसरी कंपनी में आप शेयर्स भी लो और डेट भी लो शेयर और डेट दोनों खरीद लो दूसरी कंपनी के और अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो पूरा पैसा लगा दो और अगर आपको अपनी इनकम नहीं बढ़ानी इनकम सेम रखनी है तो शेयर होल्डिंग सेम आप परचेज कर लो क्वेश्चन से बताता हूं मैं बाकी इसको दोबारा से देख लेना ये समझ में ना आए तो थोड़ा सा बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है और इसीलिए एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता पूछा जा सकता है कभी भी दो कंपनी यू और एल यू और एल आ गई एनओ आई है बीस हजार बीस बीस हजार दोनों की ऑपरेटिंग इनकम आ गई एल के पास एक लाख रुपए का लोन है सेवन परसेंट से सात हजार का इंटरेस्ट दे दिया इसकी कमाई बीस हजार और इसकी कमाई तेरह हजार है शेयर होल्डर की दोनों का के ही बता दिया दोनों की वैल्यू ऑफ शेयर आ गई शेयर इसके दो लाख के इसके बहत्तर हजार डेट एक लाख है तो ये दो लाख रुपए की है ये किएर की है तो ये ओवर य है ठीक है अब हम मान लेते हैं हमारे पास इस कंपनी के दस परसेंट शेयर है सबसे पहले इसके वो 10 शेयर बेच दो चलो जी हमारे पास दस परसेंट शेयर है हमने वो बेच दिए बीस हजार रुपए के शेयर हमारे बिक गए अब हमारे पास बीस हजार रुपए है अब अगर आपको सेम इनकम रखनी है तो आप दूसरी कंपनी में दस परसेंट शेयर होल्डिंग और डेट खरीद लो तो इसकी दस परसेंट कंपनी के शेयर और दस परसेंट डेट खरीदोगे तो सत्रह हजार दो सौ बाईस रुपए में आ जाएंगे और आपकी इनकम सेम रहेगी अब मान लो हमने सत्रह हजार दो सौ बाईस सेवन एट का सरप्लस कैश बच गया आपका ठीक है अब हम इनकम देखते हैं आपकी कितनी हुई इस कंपनी में दस शेयर थे तो बीस का दस परसेंट रुपए आपकी इनकम थी ठीक है अब दूसरी कंपनी में आपने शेयर्स में दस परसेंट लगाया है, तो तेरह सौ रुपए तो शेयर होल्डर वाले मिल गए डेट में दस परसेंट लगाया है, तो सात सौ रुपए इंटरेस्ट के मिल गए दो हजार रुपए ही आपको यहां पर भी मिल गए दोनों जगह पे कमाई सेम है दूसरा तरीका क्या है आप पूरे बीस हजार रुपए लगा दो इस कंपनी में किस रेशो में वन लैक इच टू सेवेंटी टू 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 में तो सेम रेशो में आप पूरे के पूरे बीस हजार रुपए लगा दोगे तो आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी दिस इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेज प्रोसेस आज तक एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल पूछा नहीं गया पर कभी भी आ सकता है ये हमारे पास पूरा काम खत्म हो गया ये पूरा काम हमारे पास खत्म हो गया इसका आज एफ पूरी दी एंड हो गई है जितनी भी पूरी एफ थी और हमने पांच सेशन में सेशन थोड़े बड़े हुए लेकिन विद क्वेश्चन विद कंसेप्ट पूरा का पूरा खत्म करवा दिया मैं आपको बता दूं इस तरीके का और कोई रिवीजन नहीं है जिसमें कंसेप्ट भी हो जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड न्यूमेरिकल हो बच्चे को दो ही बातों में दिक्कत आती है एक तो वो कंसेप्ट भूल गया दूसरा वो क्वेश्चन कौन से सेलेक्ट करेलेक्टेड क्वेश्चन भी करवा दिए हैं भी पूरा करवा दिया है और फाइल्स आप आप सबके सबके पास पास है वीडियो आप पास है टाइम स्टैम्प हम आजकल में लगा देंगे जिससे जिस बच्चे को कोई भी पॉइंट में दिक्कत आ रही है वो टाइम स्टैम्प पे जाके सीधे वो वाला क्वेश्चन देख ले टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप एक चीज ध्यान से देखें इस पूरे के पूरे सेशन में तीनों के जितने भी पोस्टर के सेशन चल रहे हैं आप एक बात बताओ कोई किसी तरीके की मार्केटिंग करी गई है किसी तरीके की कोई बात कही गई है कि हम ऐसे हैं हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे ऐसा है। तो कोई मार्केटिंग नहीं कुछ नहीं मुझे एक चीज पता है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब तो वो सब लोग ना बोर्ड लगाते थे अपने अपने मैं कभी बोर्ड नहीं लगाता था ना पैम्पलेट बंटवाता था मेरा सीधा सा नियम था कि बच्चा बच्चे को खुद ही बता देगा तो आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है अगर आपके प्रोडक्ट में दम है बच्चा ही बच्चे को खुद रेफर कर देगा कि भाई वहां से पढ़ो वहां से लेना क्लास तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एफ खत्म हो गया है टेलीग्राम पर कनेक्टेड रहे अभी एस की भी एक मैराथन डालूंगा मैं बनाकर पूरी की पूरी शॉर्ट में चार पांच घंटे की एक मैराथन में पूरा एस एम निपटा देंगे उसके जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं की पॉइंट्स हैं जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे और अभी कल से बूस्टर अब कॉस्टिंग का लेना शुरू करेंगे उन बच्चों का नंबर आ गया है फिर उसके बाद में एस का भी लेंगे और थ्योरी के लेक्चर भी डाल देंगे तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बढ़िया से पेपर दीजिए पास होकर आइए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारी क्लासेस शेयर करिए बूस्टर रिविजन शेयर करिए और जब रिजल्ट आए तो बताइएगा कि आप पास हो गए हैं बड़ा अच्छा लगता है रिजल्ट आप लोगों का देखकर तो अब आप लोग लग जाइए पढ़ाई में और हम लोग अब कल से चालू करवा रहे हैं कोस्टिंग का बूस्टर ओके जी सभी को टाटा बाय बाय